जब कुछ नाम आते हैं और सुर्खियों में आता है चौंकाऊ शब्द उनके साथ, तो फिर लोगों को रंगमंच ध्यान आता है और कहा जाता है नेपथ्य पर नजर रखिए, उन पर नजर रखिए जो पिछली पांत में है। वसुंधरा राजे अपने आप में एक वो खेमा है बड़ा राजस्थान में बीजेपी का, लेकिन इस बीच में उनके खेमे से निकल निकल के कई अलग खेमे बन गए। इस सारी खेमेबाजी को खत्म करने के लिए ही ये सारा खेल हुआ है। अगर आप गुजर को बनाएंगे तो मीणा नाराज हो जाएगा, आप जाट को बनाएंगे तो राजपूत नाराज हो जाएगा, आप मालिनी बनाइए आपने ब्राह्मण चेहरा दे दिया। जिस तरीके से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन किया गया, उसके बाद ये मान लिया गया है कि पूरे घर के बदल डालूंगा वाले अंदाज में ही जो है बीजेपी काम कर रही है। मध्य प्रदेश का क्या, जहां मोहन यादव के नाम के ऐलान के बाद भी सुर्खियों के सरताज को लेकर प्रतिस्पर्धा बरकरार है। शिवराज सिंह चौहान भोपाल में हो या रीवा में, ना तो कैमरे उनका पीछा छोड़ रहे हैं, ना लाडली बहनें और ना आंसू। जो भी लोग ये मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का रोल चुनाव जीतने में नहीं रहा, शायद वो इस पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव को छुटला रहे हैं। ये पूरा ट्रांजिशन अगर 2024 के लिए किया गया है तो उसका हिस्सा शिवराज सिंह चौहान को का कद छोटा करके नहीं हो सकता। पिछले कुछ दिनों में एक चीज भारतीय जनता पार्टी में दिखने लगी थी कि बाहर से आए हुए को ज्यादा तवज्जो मिलती थी और बड़े पद मिलते थे, वो संगठन में भी सरकार में भी। पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक तरीके अंदर दबा हुआ रोष है कि हम में कुछ कमी है क्या, हमको क्यों नहीं जगह मिलती है। बीजेपी ने इस चुनाव से एक चीज क्लियर कर दी कि किसी भी कॉन्सेप्ट का और किसी भी नेता की मठाधीशी अब नहीं चलेगी। अगर आपको पता चला राजनीति को अक्सर रंगमंच की शब्दावली के जरिए पारिभाषित करने की कोशिश की जाती है। जब कुछ नाम आते हैं और सुर्खियों में आता है चौंकाऊ शब्द उनके साथ, तो फिर लोगों को रंगमंच ध्यान आता है और कहा जाता है नेपथ्य पर नजर रखिए, उन पर नजर रखिए जो पिछली पांत में हैं। ये शब्द इस्तेमाल किया गया जब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और राजस्थान में भजन लाल शर्मा को भारतीय जनता पार्टी के इन तीन राज्यों में विधायक दलों का नेता चुनाया गया, यानी कि वो सीएम डेजिग्नेट या सीएम हो गए शपथ के बाद। बताया जाने लगा कौन किस पांत में बैठा था, लेकिन नेपथ्य के नामों पर नजर के साथ साथ इनके नेपथ्य पर नजर डालनी भी जरूरी है। आज से ठीक 20 बरस पहले की बात है, साल 2003, जो भजन लाल शर्मा आज राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो साल पहली मर्तबा विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नहीं, भाजपा के बागी देवी सिंह भाटी के बनाए एक मंच के नाम पर टिकट पाया था। उन्होंने 5वें नंबर पर रहे थे, जमानत जब्त हुई थी अपने गृह जनपद भरतपुर की नदबई सीट से, क्योंकि बीजेपी ने कृष्णेंद्र कौर दीपा को चुनाव में टिकट देने का फैसला किया था। 2003 के इस साल को लेकर अब हम रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जो मोहन यादव उज्जैन से तीसरी बार के विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बडनगर की सीट से टिकट दिया गया था, लेकिन स्थानीय स्तर पर जोरदार विरोध हुआ और मोहन यादव को टिकट लौटाना पड़ा और अगले टिकट के लिए 10 बरस का इंतजार करना पड़ा। इसी बरस के साथ छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे तो आपको एक पुराने विधायक और सिटिंग सांसद की हार की खबरें मिलेंगी। पत्थलगढ़ की सीट थी, हारने वाले प्रत्याशी का नाम था विष्णुदेव साय। 20 बरस में कितना बदल जाता है नेताओं के लिए। विष्णुदेव साय हारी हुई विधायक की, फिर सांसदी जीतते हैं, मंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी की मंत्री परिषद में, लेकिन 2019 का एक फॉर्मूला उनकी गति के आड़े आ जाता है जब भाजपा का आलाकमान तय करता है भूपेश बघेल को 2018 में मिले प्रचंड जनादेश के बाद कि सारे घर के बदर डालो, सब सांसदों के टिकट काट दिए जाते हैं। उसके बाद उनके हिस्से इंतजार आता है, संगठन में अध्यक्ष का पद भी आता है प्रदेश स्तर पर, जिसे वो दो बार पहले भी संभाल चुके थे, लेकिन विधानसभा चुनाव की मुनादी के पहले ही ये पद भी वापस ले लिया जाता है।
तो किसने सोचा था कि राजनीति में इस कदर नेपथ्य में चला गया व्यक्ति बीजेपी की एमपी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का बैच ऑफ 1990 का व्यक्ति, जिससे शिवराज सिंह चौहान निकले, जिससे कैलाश विजयवर्गीय निकले, जिससे रमन सिंह निकले, नेपथ्य से केंद्र में आ जाएगा। और रमन सिंह, उनकी क्या भूमिका थी इस नाम के सुझाव में अरुण साव और दूसरे दावेदारों के बनिस्पत? विष्णुदेव साय का मंत्रिमंडल कैसा होगा? नाम के ऐलान से पहले क्या राजभवन में एक सूची गई थी जिसको लेकर दिल्ली से वीटो कर दिया गया और नए सिरे से सूची तैयार हुई, क्योंकि गाड़ी रिक्शे वालों की भाषा में कहें तो इक्कर भाग रही थी। और मध्य प्रदेश का क्या, जहां मोहन यादव के नाम के ऐलान के बाद भी सुर्खियों के सरताज को लेकर प्रतिस्पर्धा बरकरार है। शिवराज सिंह चौहान भोपाल में हो या रीवा में, ना तो कैमरे उनका पीछा छोड़ रहे हैं, ना लाडली बहनें और ना आंसू। क्या एक और भविष्यवाणी है जिसे अलगनी पर टांग दिया गया है इस इंतजार में कि जब इसे उतारा जाएगा तब कोई नया गुल खिलेगा? भविष्यवाणी जो कार का शीशा चढ़ाते चढ़ाते शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भोपाल में की थी और किसी नजूमी ने, किसी रमल फेंकने वाले ने, पढ़ने वाले ने नहीं की थी, एक लाडली बहना ने की थी कि एक दिन आप प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या है शिवराज सिंह चौहान का भविष्य? क्या वो नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद में आएंगे, या खुद उन्हीं के शब्दों में कहें तो वो मध्य प्रदेश छोड़कर कहाँ जाएंगे? और जो मध्य प्रदेश पहुँच गए हैं केंद्र की राजनीति छोड़कर, उनका क्या? प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, कितने ही नाम हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कोई पोर्टफोलियो का, कोई संगठन में नए सिरे से चमकाए गए पद का। उधर संगठन मंत्री हितानंद शर्मा हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं और हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिनके बारे में पत्रकार नए सिरे से नई प्रस्तावनाएं खोज रहे हैं। कोई बताता है कि किस तरह से क्षिप्रा नदी के गौघाट पर वो धार के उलट तैरा करते थे, तो कोई उन्हें वॉइस ऑफ उज्जैन के जनक के तौर पर याद कर रहा है। जनक कहा तो याद आया जो अरुण चतुर्वेदी टिकट के तलबगार थे और जिनका टिकट काट दिया गया, ऐसे भाजपा के वरिष्ठ कद्दावर नेता, उन्हीं के लाए हुए रंगरूट ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। हैं कुछ वायरल क्लिप जिसमें वसुंधरा राजे कितनी डिग्री के साथ, कितनी इंटेंसिटी के साथ पर्ची में छपा नाम देखकर चौंकी, इस पर चर्चा हो रही है। चर्चा इस पर भी हो रही है बरास्ते अमित शाह और जेपी नड्डा के एजेंडा आज तक प्रोग्राम में दिए बयान कि हमें पता रहता है कि किसका नाम चल रहा है और कौन टीवी की स्क्रीन पर नाम चलवा रहा है। इन सब के बीच चुनावी चाणक्यों की बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जिनको भी दावेदार बताया उन सब का नाम सूची से कटा पाया। और हैं सामाजिक समीकरणों का अध्ययन करने वाले व्याख्याता, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से कहां पर कितनी सीटों पर एसटी वोट कितना प्रभावी है, कहां एससी वोट कितना प्रभावी है, दो उप मुख्यमंत्री देने की थ्योरी क्या है, वीआरएस जैसा व्हाट्सएप का चुटकुला क्या है, और ये जनादेश आखिर किसके नाम पर है, और ये पीढ़ियों का बदलाव लोकसभा चुनाव और उसके बाद की भाजपा पर किस तरह के रंग दिखाएगा। इन सब के बीच बार बार एक ऐसे मुख्यमंत्री का जिक्र भी आता है जो चुनावी रणभेदी में था तो नहीं अपनी सक्रिय मौजूदगी से, क्योंकि वो उन राज्यों से नहीं था, लेकिन वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद निर्विवाद रूप से उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है, नाम योगी आदित्यनाथ। इन सब फैक्टर्स के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और ये है ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी, जहां पर सत्ता के गर्भगृह तक पहुंचने के रास्ते, वहां पर होने वाली खुशफुसाटें और वहां जोर से पढ़े जाने वाली मुनादियों के बयानों के निहितार्थ खोजे जाते हैं। नेता नगरी के इस एपिसोड में इन तीनों ही राज्यों से हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं और दिल्ली से भी दो मेहमान। सबसे पहले छत्तीसगढ़, जहां की राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक पुतुल जी। आलोक जी, नेता नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इसके बाद मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ेंगे नितेंद्र शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नितेंद्र जी। नितेंद्र शर्मा, नमस्कार, प्रणाम जी। नमस्कार। और हमारे साथ राजस्थान से जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चोटिया जी। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
इसके अलावा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिस न्यूज में न्यूज डायरेक्टर के पद पर सुशोभित राहुल श्रीवास्तव जी। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। प्रणाम। नमस्कार सौरभ जी, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच सर। भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकार जो बीजेपी को एक बीट के तौर पर कवर करते हैं, हिमांशु मिश्र। बातचीत की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। आलोक जी, रायपुर में क्या चर्चा है विष्णुदेव साय के चुनाव को लेकर? देखिए, विष्णुदेव साय को लेके पहले से ये बात तय थी कि कोई न कोई आदिवासी चेहरा ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। चार पांच नाम हवा में थे, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, पुराने राज्य के गृह मंत्री हुआ करते थे रामविचार नेताम, और विष्णुदेव साय, ये तीन आदिवासी चेहरे। और स्वाभाविक दावेदार के तौर पे माना जा रहा था कि प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, उनका नाम भी चर्चा में था। लेकिन इन सब नामों पे भारी नाम था डॉक्टर रमन सिंह का, जो 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो पहली लिस्ट, जो पहली सूची बनी थी, उसमें पहला नाम जो है माना जा रहा था कि रमन सिंह ही होंगे, क्योंकि राज्य में जब चुनाव की तैयारी शुरू हो रही थी उस समय अब तक हाशिए पर डाल दिए गए तमाम नेताओं को, जितने पुराने नेता हुआ करते थे भाजपा के, उन सबको फिर मुख्यधारा में लाया गया। और पहली बार जब टिकट बांटी गई 90 में से 21 सीटों पे, तो वो तो प्रभारियों के भरोसे बांटा गया था, लेकिन बाद में जितनी टिकट आई उसमें यही कहा गया कि इस बार फिर से रमन सिंह ही सामने है और उनका ही किया धरा सब कुछ चल रहा है। रमन सिंह की पसंद के उम्मीदवार लाए गए, पुराने सारे के सारे हारे हुए उम्मीदवार जो है फिर से मैदान में थे, और मान लिया गया कि अगर कुछ होता है, हालांकि इसकी उम्मीद जो ओपिनियन पोल थे, जो एग्जिट पोल थे, उसमें तो बिल्कुल भी कहीं कोई उम्मीद नहीं थी कि रमन सिंह जो है या बीजेपी जो है सरकार बनाने की स्थिति में है, लेकिन कहीं कोई गुंजाइश बनती है तो उसमें पहला नाम जो है रमन सिंह का था। बाद के दिनों में जब खटपट शुरू हुई और चर्चाएं कानाफूसी, तो फिर आदिवासी चेहरे सामने आए, ओबीसी चेहरा सामने आया, और अंततः विष्णुदेव साय के नाम पे मुहर लग गई। विष्णुदेव साय इसलिए क्योंकि लंबे समय तक सांसद रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा में, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, और संघ की पसंद भी हैं, विवादों से बहुत दूर रहे हैं, और विष्णुदेव साय अंततः रमन सिंह की भी पसंद रहे हैं। जी, मैं दरअसल इसी सवाल पर आने वाला था कि अब मंत्री परिषद के संभावितों में किनका नाम चल रहा है और वहां पर भी रमन फैक्टर दिखेगा क्या, क्योंकि जो तीन अटल आडवाणी युग के चुने हुए 2003 के, या शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में कहें तो गौर साहब के बाद आए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसी दौर के 2003 से 2005 वाले दौर के, उसमें रमन सिंह की भूमिका फौरन से तय भी कर दी गई जब उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष के लिए पार्टी की तरफ से उनका नाम तय किया गया। शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को लेकर अभी सिर्फ बयान है, कुछ स्पष्टता नहीं है। मंत्रिपरिषद के चुनाव में किस तरह के फैक्टर हैं, कौन कौन सी सूचियां स्थानीय ग्रुप्स में चल रही हैं, क्या क्या फैक्टर्स बताए जा रहे हैं उन नामों को लेकर? देखिए, दो तरह की बातें हो रही हैं। लोगों के पास जो पुराना अनुभव है, गुजरात का जो अनुभव है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन किया गया, उसके बाद ये मान लिया गया है कि पूरे घर के बदल डालूंगा वाले अंदाज में ही जो है बीजेपी काम कर रही है। और गुजरात का जो अनुभव है कि भाई सारे के सारे नए चेहरे मंत्री के तौर पर उतार दिए गए थे, तो एक बात तो ये हो रही है कि गुजरात की तर्ज पे कहीं ऐसा ना हो कि छत्तीसगढ़ में भी जो है सारे नए चेहरे जो है, जो पहली बार के विधायक बने हैं या इससे पहले कभी मंत्री नहीं रहे हैं, इन चेहरों पे ही पार्टी दाव लगाएगी। दूसरी बात ये हो रही है कि बस्तर के इलाके से एकाध आदिवासी नाम, सरगुजा के इलाके से ओबीसी के कौन से नाम, आलोक जी, नाम कौन से नाम चल रहे हैं? जी, लता उसेंडी का नाम चल रहा है, विक्रम उसेंडी का नाम चल रहा है, और केदार कश्यप,
ये तीन नाम बस्तर के इलाकों से हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं जी। केदार कश्यप बीजेपी के कद्दावर नेता बलिराम कश्यप के बेटे हैं क्या? जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। और मध्य छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो बिलासपुर से अमर अग्रवाल, रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल जो आठवीं बार विधायक बने हैं, और राजेश मुणत, ये तीन बड़े नाम हैं। लेकिन भाजपा के पास ये अगर इन्हीं नामों को रिपीट करना होता, जनादेश ब्रजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल और राजेश मुणत के लिए नहीं आया है। देखिए ये कहना तो बहुत ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं इसको ठीक नहीं मानता कि ये वही नेता हैं जो 15 साल तक लगातार छत्तीसगढ़ में जो है जीतते रहे हैं। इस बार भी ब्रिजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के कैंडिडेट को न भूतो न भविष्यति वाले अंदाज में जितने वोट 40-42 हजार वोट जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले हैं, और 67 हजार वोटों के अंतर से, लगभग 67 हजार प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीते हैं पूरे राज्य में। तो नहीं आलोक जी, आलोक जी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस पीढ़ी को सिरे से खारिज कर दिया जाए, मैं ये कह रहा हूं कि जो सामाजिक गोलबंदियां, उम्र का सूचकांक और सक्रियता, यदि इन तीन पैमानों को साथ लें तो आप ब्रिजमोहन अग्रवाल को बना देंगे वरिष्ठता के हिसाब से, किसी एक को ही बनाएंगे। लेकिन जिस साहू समाज ने आपको हचक के वोट दिया है, खालिस यूपी के लहजे में मैं कहूं, आप उनका प्रतिनिधित्व करेंगे? आप ओबीसी, सवर्ण या दलित वर्ग के दूसरे समाजों का प्रतिनिधित्व देंगे जिन्होंने आपको उस मैजिक फिगर के पार पहुंचाया है? बीजेपी पुरानी रमन सिंह वाली बीजेपी को लेकर सबसे बड़ी आलोचना तो यही है ना कि वहां पे सवर्णों की और जो बाहर से आकर छत्तीसगढ़ में बसे हैं उनकी भरमार थी। हाँ, लेकिन 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 आपको ध्यान होगा कि विष्णुदेव साय के साथ जिन दो नामों ने शपथ ली है उसमें से एक नाम अरुण साव का है जी, जो डिप्टी सीएम है जी, तो उसका ख्याल रखा गया है। मैं संभावित नाम जो चर्चा में चल रहे हैं, मैं केवल उनका जिक्र कर रहा हूं। चंद्राकर जी का नाम भी चल रहा है, जाहिर तौर पर चंद्राकर जी का नाम भी है उसमें, क्योंकि कुर्मी वोट भी जो है वो ठीक ठाक मिले हैं इस बार। जहां कुर्मी वर्सेस कुर्मी था वहां भी भाजपा को प्राथमिकता मिली है, जहां साहू वर्सेस कुर्मी था वहां भी जो है भाजपा को प्राथमिकता मिली है। तो इन दो जातियों का, दो जो बड़ी जातियां हैं, पहले नंबर की और पांचवी नंबर की जाति, इनका ध्यान तो जरूर रखा जाएगा जी। यादव समाज से भी प्रतिनिधित्व, क्योंकि जो ओबीसी की एक सूची बनी थी जिसको सदन के पटल पर नहीं रखा गया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जिसकी गणना बताई गई तो उसमें यह कहा गया कि जो ओबीसी की पांच टॉप जातियां हैं उसमें यादव समाज का भी ठीक ठाक अनुपात है। क्या उस समाज से कोई बीजेपी का विधायक है राज्य में? कुर्मी जो है वो पांचवें नंबर की जाति है और साहू जो है वो पहले नंबर की जाति है जी। बीच में निषाद, मल्ला, कुशवाहा समाज और यादव समाज भी है जी। हाँ, ये जो क्वांटिफाइबल डेटा है स्टेट गवर्नमेंट का, ये उसके हवाले से मैं ये बात कर पा रहा हूँ जी। तो यादव उम्मीदवारों को अब तक जो है, या निषाद समाज के, मुझको अगर ठीक याद आता है तो शायद कभी एकाध सीट जो है वो मिल जाती थी, लेकिन क्वांटिफाइबल डेटा के बाद जो है इनकी उम्मीदवारों को जो है पहली बार जो है जगह मिली है ज्यादा संख्या में। यादव भी थोड़े उतारे गए हैं, लेकिन इनमें से कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको पार्टी मंत्री के तौर पे जो है पेश कर सके, ऐसे कोई नाम चर्चा में नहीं है। चर्चा में नहीं है, थैंक यू फॉर एडिंग दैट, क्योंकि चर्चाओं के परे जाकर भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान लगातार फैसले कर रहा है। तीसरा और आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये, हिमांशु जी जुड़ गए हमारे साथ जी। हिमांशु जी, आपका रुख करेंगे छत्तीसगढ़ को लेकर भाजपा की रणनीति पर, लेकिन उससे पहले मैं आलोक जी ये जानना चाहता हूं, आसन्न सरकार के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौतियां फौरी तौर पर क्या हैं, और लोकसभा चुनाव को लेकर अब क्या सुगबुगाहट है? और एक और सप्लीमेंट्री सवाल, भूपेश बघेल खेमे में और कांग्रेस के खेमे में हमें जो असंतोष के स्वर सुनाई दे रहे हैं, बृहस्पत सिंह, जायसवाल, तमाम विधायक या पूर्व विधायक जिनको निष्कासित किया गया, वो दुखड़ा रो रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, कोई पार्टी की प्रभारी महासचिव के लिए हीरोइन शब्द इस्तेमाल कर रहा है, कोई कह रहा है कि हमने दो किश्तों में 7 लाख रुपए की घूस दी एक और इंचार्ज को, ये सब स्वर आ रहे हैं अब कांग्रेस के खेमे से। जो आखिरी सवाल आपने पूछा वहां से मैं शुरू करता हूं जी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के भीतर अगर ठीक शब्द इस्तेमाल करना चाहिए तो जूतम पैजार वाली हालत है।
मुख्यमंत्री का कोई बयान अब तक नहीं आया है। पूर्व मुख्यमंत्री जो थे भूपेश बघेल अभी तक मुख्यमंत्री निवास में रह रहे हैं वो जी, तो आदत हमारी भी जाते जाते जाएगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कोई बयान अब तक नहीं आया है, लेकिन भूपेश बघेल जो है कहीं ना कहीं जो बागी तेवर वाले विधायक पूर्व विधायक रहे हैं उनके साथ ही नजर आ रहे हैं। जिन विधायकों को जिन दो विधायकों को कल निष्कासित किया है पार्टी ने 6 साल के लिए, उन विधायकों समेत 10 पूर्व विधायक जो है वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए। सरगुजा से लेके कोंटा तक कोई भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पार्टी के भीतर से ही ये सवाल न उठा हो कि भीतर घात जो है वो किया गया है, भाजपा को मदद की गई है या दूसरे दलों को मदद की गई है। तो देर सबेर जो है वो आवाजें और मुखर होंगी ऐसा मुझको समझ में आ रहा है। आपने दूसरा सवाल जो पूछा कि भाजपा के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं, एक बड़ी चुनौती भाजपा के सामने ये है कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक जिन योजनाओं को चलाया है जिनको शुरू किया था उनका पार्टी क्या करेगी। कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना थी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, तो नरवा यानी नाले का वो नाले नदियों का जो है संवर्धन करना, घुरवा कंपोस्ट खाद वगैरह, गौठान जो बनाए गए थे, गोबर खरीदी की जो योजना थी, और घरों के पीछे जो छोटी जगह जहां सब्जी उगाई जाती है बाड़ी योजना। तो ये मजेदार बात यह है कि ये फ्लैगशिप योजना थी, 4.5 साल तक कांग्रेस पार्टी इस फ्लैगशिप योजना के नाम पे विज्ञापन छपवाती रही, उसकी चर्चा करती रही। चुनाव में मुझको याद नहीं आता कि गोबर बेचने को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ने इस नारे को जो है दोबारा इस्तेमाल भी किया होगा, कहीं भी सुनने में नहीं आया। तो मुझको लगता है कि शायद इस योजना की जो विफलता है उससे जो है थोड़ी डरी हुई थी कांग्रेस, क्योंकि विफलता का सबूत जो है गांव गांव में गौठान के तौर पे उपस्थित थे, वो गौठान जहां गोबर खरीदी बिक्री के अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा था। तो भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी कि गोबर गौमूत्र जो है उसका अपना एजेंडा रहा है, वो इस पे क्या रुख अपनाती है। स्वामी आत्मानंद स्कूल, ये जो हिंदी के स्कूल जो थे, पुराने स्कूल थे, उसमें टाइल्स लगा के और बिल्डिंग बना के उसको अंग्रेजी स्कूलों में तब्दील कर देने की जो योजना थी, उसका क्या होगा। छोटी जो चीजें रही हैं जिन योजनाओं पे कांग्रेस काम करती रही है, उन योजनाओं को लेके ये संशय इसलिए भी है क्योंकि ये पहली दफा हुआ है कि जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने राजगीत बनाया था, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, जो राजगीत का जो है वो प्रचलन था और हर एक शासकीय कार्यक्रम से पहले जो है उस राजगीत को जो है बजाया जाता था, गाया जाता था, ये बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया था, राजपत्र में उसका उल्लेख है। पहला जो भाजपा का कार्यक्रम हुआ शपथ ग्रहण समारोह, उसमें इस राजगीत का कहीं अता पता नहीं था। तो भाजपा किसको चुनेगी और किस राह पर आगे बढ़ेगी, ये इसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। अच्छा जी, हिमांशु जी बताइए दिल्ली में क्या हुआ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम के क्रम में चुनाव के। देखिए दो चीज हैं सौरभ जी, मुख्यमंत्रियों के चयन को लेकर बीजेपी ने एक सरल प्रक्रिया जो है अपनाई है और एक ट्रांजिशन पीरियड है ये भारतीय जनता पार्टी का, और ये मुझे लगता है थर्ड फेज का ट्रांजिशन पीरियड जो है वो है। अगर आप देखेंगे विष्णुदेव सहाय, उनको अगर मुख्यमंत्री बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, पंचायत के सदस्य रह चुके हैं, तमाम जिम्मेदारियां निभाते हुए प्रदेश अध्यक्ष भी, वो दूसरी बात है। ये ट्रांजिशन पीरियड है, उनके साथ दो मुख्यमंत्री बनाए गए और बहुत ही अगर देखा जाए तो एक चीज जो मुझे लगती है कि सब कुछ बदल देने वाली प्रक्रिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी अभी पूरा करेगी। मुझे लगता नहीं है कि जो पूर्व में मंत्री रहे हैं उनमें से किसी को बनाया जाएगा, चाहे वो ब्रिजमोहन अग्रवाल हो या गुजरात मॉडल चलेगा,
मुझे लगता है पूरी तरीके से गुजरात मॉडल जो है वो फॉलो होगा। और जब हम यहाँ दर्शकों के सामने गुजरात मॉडल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि जिस तरह से रूपानी जी को हटाया गया था मुख्यमंत्री के पद से, भूपेन पटेल लाए गए थे और उसके बाद पूरे मंत्रिपरिषद को बदल दिया गया था और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये और भी प्रकट रूप से दिखा था, तब ये आशय है जी। देखिए बिल्कुल, और गुजरात मॉडल को ही अपनाया जाएगा। और साथ में एक चीज जो मैंने आपको शायद पिछली बार भी बताई थी जब चुनाव चल रहे थे कि 12 लोगों को टिकट नहीं देने का पार्टी का फैसला था, जिसमें रमन सिंह थे, ब्रजमोहन अग्रवाल थे, अमर अग्रवाल थे, राजेश मूढ़क थे, ये प्रेम प्रकाश पांडे थे, ये तमाम लोग थे जिनको टिकट नहीं देना था। लेकिन हुआ ये कि नहीं, टिकट दे दीजिए नहीं तो पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। और फिर इन लोगों को टिकट देने का एक फैसला जो है वो हो गया। हिमांशु जी खुल के बताइए, हिमांशु जी खुल के बताइए, आप ये बहुत ऊपर ऊपर का बता रहे हो नेता नगरी में, आज ये बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले जवाब मिल रहे हैं कि देखिए विष्णुदेव साय के चुनाव में क्या फैक्टर थे, एसटी फैक्टर, वो सब तो हमें पता है, अंदर खाने क्या हुआ ये बताइए ना। देखिए अंदर खाने जब टिकट्स का उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होनी थी तो छत्तीसगढ़ को लेकर एक कोर ग्रुप की बैठक हुई, उसमें नाम कुछ तय नहीं हो पाए और ये कहा गया कि 12 लोगों को टिकट नहीं देंगे, संघ भी नहीं चाहता है, जिसमें रमन सिंह थे, ब्रिजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, राजेश मूढ़क, प्रेम प्रकाश पांडे, राजेश मूढ़क वगैरह, ये सब लोग थे। और फिर अगले दिन सुबह तय किया गया कि नहीं अब हमको इन 12 को तो देनी, आगे 13वें नाम पर डिस्कशन हो। तो पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा कि जो फैसला कल हुआ तो उसमें आज इतना जल्दी बदलाव कैसे आ गया। तो कहा गया कि नहीं, ये पार्टी के आला कमान ने फैसला ले लिया है और आपको मानना चाहिए और हमको आगे बढ़ना चाहिए। अब दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो अगर आप जब आप आला कमान कहते हैं तब मेरे कान नरेंद्र मोदी सुने, नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, जिनमें आला कमान में सबसे ज्यादा जिनके, आपने बीएल संतोष को जोड़ दिया आला कमान में, ये वही आला कमान है ना जिन्होंने विजेंद्र का नाम कर्नाटक में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर तय किया है। नहीं आप सौरभ जी, इसमें भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर विजेंद्र का नाम रुका रहा 6 महीने तो उसको रोकने का काम जो है वो बीएल संतोष ने किया। उन्होंने कहा कि जब पार्टी हार गई है तो हमको पूरी तरीके से रिवैम्प करना चाहिए, पूरा चेंज करना चाहिए। पर 6 महीने के बाद भी बीएल संतोष के तर्कों को किनारे रख के विजेंद्र को बना दिया गया, वो उसका कारण है। अगर आप देखेंगे तो येदुरप्पा जिस जाति से आते हैं, लिंगायत, वो बहुत उसके वो एक सर्वमान्य नेता है कर्नाटक में, और उन्होंने पार्टी के सामने जो मेरे सूत्र बताते हैं एक शर्त रख दी थी, या तो विजेंद्र जो है वो एलओपी होंगे या प्रदेश अध्यक्ष, आप तय कर लीजिए। और उसके बाद मान मनोबल के दौर चलते रहे लेकिन येदुरप्पा नहीं माने और उसका परिणाम आपके सामने है कि अब जो है उसको मानना पड़ा, माना पड़ा। अब मैं इस पे आ जाता हूं, अगर आप देखेंगे तो संगठन को भी तरजीह दी गई है जी। विजय शर्मा प्रदेश में महामंत्री हैं, उनको लाया गया है उप मुख्यमंत्री के तौर पर, तो ये जो चीजें हैं ना, और उन्हीं के साथ प्रदेश अध्यक्ष जो है अरुण साव वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, तो कास्ट कॉम्बिनेशन, जातीय समीकरणों को ध्यान रखा गया है। कोई और भी नाम था क्या दिल्ली में, किसी और नाम पे चर्चा हुई थी क्या हिमांशु जी? जी किस चीज के लिए कह रहे हैं सौरभ? मुख्यमंत्री के लिए, क्या बताया आपको मनसुख मंडाविया ने, ओम प्रकाश माथुर ने? मुझे पता है हाल के दिनों में आपकी ठीक ठाक बैठकी हुई है नेताओं के साथ। देखिए सौरभ जी, कई बार बैठकी होती है, कई बार कुछ और चीजों पे होती है, लेकिन इतना जरूर था कि एक चीज पार्टी को ये लगता है कि अगर पुराने लोगों को मंत्री बना दिया गया या उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसको वो अपनी गिरफ्त में ले लेंगे और नए मुख्यमंत्री को उस तरीके से फ्री हैंड नहीं मिल पाएगा जो फ्री हैंड जो है वो मिलना चाहिए जी। तो ये एक बड़ा कारण है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि पुराने लोगों को रिपीट नहीं किया जाएगा। अच्छा, मंत्री पद में भी। मैं बस एक आखिरी प्रश्न ये बता दीजिए, विष्णुदेव साय के अलावा और किसी नाम पर गंभीरता पूर्वक मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हुई थी या रिजल्ट आने के साथ ही ये क्लैरिटी थी? नहीं, उसमें देखिए दो चीजें, अगर आप उसको देखेंगे तो विष्णुदेव साय जो है वो ट्राइबल है और लगभग 33% जो है वो छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासी रहते हैं, और अगर छत्तीसगढ़ की अगर आप बाउंड्री देखेंगे तो वो उड़ीसा से लगती है,
वहां ट्राइबल्स हैं, झारखंड से लगती है, मध्य प्रदेश से है। ये मध्य प्रदेश में भी 48 सीटें ट्राइबल है विधानसभा की जी, और झारखंड में 22% जो है वो ट्राइबल्स हैं, और बड़ा इंपैक्ट है उड़ीसा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीदें हैं उड़ीसा, नहीं वो तो है, गुजरात में भी ट्राइबल बेल्ट है, राजस्थान में ट्राइबल बेल्ट है, नोबडी इज डिनाइंग दैट जी, नोबडी डिनाइंग इट, और इसीलिए ट्राइबल आपने बना दिया मुख्यमंत्री, और आपने जाति समीकरणों के हिसाब से ही मनोज मोहन यादव को बनाया। वी विल कम टू दैट, मध्य प्रदेश हम अलग डिस्कस करेंगे जी। हाँ, तो एक तरीके से अब मुझे जो लग रहा है कैबिनेट में महिलाओं को जो है वो भी तरजीह दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक महिला या एक महिला आपने सिंबॉलिक उसमें बना दी, मुझे लगता है कि इस बार महिलाओं की तरजीह ज्यादा होगी, कोरम पूरा नहीं किया जाएगा छत्तीसगढ़ की कैबिनेट जी। हाँ। राहुल श्रीवास्तव जी, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री का चयन और भविष्य की राजनीति का रोडमैप भाजपा और कांग्रेस के लिए, आपकी टिप्पणी। सौरभ, ये जो इलेक्शन है ये हम सब ने कहा कि सेमीफाइनल है 2024 का, इस टाइप की जो टर्मिनोलॉजी लगी उससे ये रिजल्ट के बाद ये हो गया कि साहब 2023 जीत गई तो पथ प्रशस्त हो गया, आसान हो गया रास्ता 2024 का। लेकिन मेरे ख्याल से दिस वॉज ये बीजेपी के लिए सबसे टफ पीरियड था। क्या है कि जब आप किसी ऐसे पीरियड में, जब आप जो हिमांशु ने कहा कि ट्रांजिशन पीरियड है, बल्कि मैं कहूंगा इट्स स्लाइटली मोर देन ए ट्रांजिशन पीरियड, ये मोमेंट ऑफ चेंज था, जिसमें आपने वीआरएस वाली बात करी कि वसुंधरा, रमन सिंह और शिवराज जैसे नेता जो हैं वो साइडलाइन हो गए, एक नया नेतृत्व आ गया। तो ये पूरा इन राज्यों का जो ताना बाना बुना गया है या जो फैसले लिए गए हैं, ये अगर एक राज्य में चुनाव होता सौरभ, तो ये आइसोलेशन में फैसला लेना आसान होता किसी भी पार्टी के लिए। एक नेशनल पार्टी को, जिसको कि एक नेशनल इलेक्शन 5 महीने में लड़ना है और उसको बहुत सारे अदर फैक्टर्स को भी देखना है, तो क्या है इन 3 राज्यों को लेकर के बीजेपी के लिए डिसीजन मेकिंग जो थी वो काफी टफ थी, और उसके लिए चॉइस जो है, तो एक पिक्चर आई थी जिसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग यूपी के कैरेक्टर हैं जो कि एक डायलॉग बोलते हैं कि अगर ये भले इंसान ना होते तो हम थोड़े बेईमान ना होते और आज सोमवार ना होता तो गोली मार देते। तो क्या है कि उसी तरह से था कि अगर छत्तीसगढ़ ना होता, अगर मध्य प्रदेश ना होता, राजस्थान ना होता, उसका यूपी पे असर ना होता और उड़ीसा पे उसका क्या असर होता, ये ना होता तो आसान होता फैसला। अगर आप देखिए छत्तीसगढ़ को, तो पहली बात वाइडर पिक्चर जो है इस चुनाव में एक फैटिक फैक्टर बीजेपी का दिख रहा था, इवन इन द स्टेट जहां बीजेपी सत्ता में नहीं थी जैसे राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में, एक बीजेपी के लिए था कि वो कहां जा रही है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्कीम्स, लाभार्थी और अपनी इमेज, उसको एक तरह से ऐसे आगे किया, उससे एक चीज डिस्टिंक्ट हो गई कि अगर चुनाव जीत जाते हैं तो इट विल बी 2024 से पहले प्राइम मिनिस्टर का एंडोर्समेंट, एक अच्छा प्रीपोल सर्वे टाइप आ जाएगा, वो उसमें बीजेपी सक्सीड हो गई। छत्तीसगढ़ का अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ का फैसला, सर ने कहा, हिमांशु ने कहा, जिस तरह से लिया गया उसका एक वाइडर इंप्लीकेशन है। बीजेपी ने एक राज्य में जहां 32% ट्राइबल है, वहां सरगुजा और बस्तर का जो बेल्ट है, जहां पे 26 में से 22 सीटें बीजेपी ने जीती, क्योंकि वहां पे बीजेपी का एक जो पुश रहा था द्रौपदी मुर्मू एलिमेंट, ट्राइबल आउटरीच, आरएसएस का काम, उसको देखते हुए एक तरह से ये लग रहा था कि जैसे कहा गया कि ट्राइबल चीफ मिनिस्टर होगा। लेकिन इसका एक वाइडर इंपैक्ट जो बीजेपी ने असेसमेंट किया है आगे के लिए, वो बहुत क्रिटिकल है। छत्तीसगढ़ के लगे हुए 6 राज्य हैं, उसमें अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश और झारखंड के अलावा 4 राज्य और हैं, उसमें अगर देखा जाए तो 22% ट्राइबल है मध्य प्रदेश में, 26% है झारखंड में, इसके अलावा उड़ीसा में करीब 23% है। तो अगर आप नारा देखें, जब साई साहब मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के ऑफिस में लगा था कि आदिवासी राज करेंगे, तो वो जो नारा था वो शायद एक रिफ्लेक्शन था कि ये इन राज्यों में भी कैरी करें। क्योंकि अगर आप इन 3 राज्यों को देखें तो इसके अंदर टोटल 75 सीटें जो हैं वो टोटल हैं, 20 में से इन 75 में से 75-20 जो हैं वो रिजर्व्ड हैं ट्राइबल्स के लिए। तो अगर ये इंपैक्ट देखा जाए कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ का फैसला
आइसोलेटेड तरीके से छत्तीसगढ़ के लिए नहीं लिया है, इट हैज टेकन कि उसका इंपैक्ट उड़ीसा में क्या होगा, मध्य प्रदेश जहां अच्छा ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका इंपैक्ट झारखंड में क्या होगा, ये जो समग्र व्यू लेकर के डिसीजन किया गया है। उसके बाद वहां पे एससी का होना, अपर कास्ट का आना, ये जो एक कंसोलिडेशन किया है बीजेपी ने कास्ट का, कि वो जो ब्राह्मण बनिया पार्टी का टैग हुआ करता था कि बीजेपी रूरल बेल्ट में ट्राइबल में एससी में नहीं पॉपुलर है, आई थिंक बहुत सारे उनको डिसमेंटल किया है और आगे की रणनीति जो है अपने इन सिलेक्शन के जरिए बीजेपी ने क्लियर कर दी है। छत्तीसगढ़ से पहले भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में ट्राइबल मुख्यमंत्री बनाए थे, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा, जबकि ट्राइबल की जो जनसंख्या है वो झारखंड में छत्तीसगढ़ के तुलना में कम है। इस बार उन्होंने अपनी उस गलती को सुधार लिया है। 2014 से 19 रघुवर दास जरूर बने थे, तो अब ये मान के चला जा सकता है, जो मेरी राजनीतिक समझ कहती है वो ये कि झारखंड में अब ट्राइबल मुख्यमंत्री भविष्य में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो नहीं बनेगा, बस इतनी ही बात। आपने इतनी सी बात कह दी, ये क्लिप कोई बाबूलाल मरांडी को भेजेगा और उनका क्षोभ बढ़ जाएगा। जमीन नाप रहे हैं, संगठन की राजनीति कर रहे हैं, राजनाथ सिंह ने कैसे निपटाया था उनको सब जानते हैं, अर्जुन मुंडा के हक में है, कितनी पिटारियां पुरानी खुलवाएंगे हिमांशु जी? उसके गवाह बहुत लोग हैं, एक यहीं पे मौजूद है जो ओबी वैन में सुन रहे थे पूरी घटनाक्रम। आप राहुल जी का जिक्र कर रहे हैं जी, बताइए राहुल जी क्या हुआ था? अरविंद जी मैं आऊंगा आपके पास, जरा सुन लें इसको। राहुल जी जी, अब आप व्यास गद्दी पर हैं, बता दीजिए बाबूलाल मरांडी को राजनीतिक रूप से कैसे निपटाया गया था? अब वो अध्यक्ष के तौर पर मेहनत कर रहे हैं, हिमांशु कह रहे हैं एक आदिवासी हो गया दूसरा नहीं होगा, जब एक भी आदिवासी नहीं हुआ था तब तो ये सवाल कभी नहीं पूछा गया। देखिए सौरभ, मेरे पॉलिटिकल करियर में, यानी पॉलिटिकल करियर नहीं, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के करियर में मैंने दो इंस्टेंसेस देखे जहां एक राज्य में नेतृत्व और काडर वो इस वजह से अपने मुख्यमंत्री को हटावाया है क्योंकि वो ईमानदार था, मिस्टर खंडूरी इन उत्तराखंड और बाबूलाल मरांडी इन झारखंड, ये दो आदमी जो थे वो ईमानदार थे और पूरे काडर को उनसे शिकायत थी और दिल्ली में नेतृत्व को उनसे शिकायत थी और उस कारण से वो, क्योंकि वो एक तरह के जिसे कहा जाता ना कि आज नरेंद्र मोदी के टाइम में कोई रीजनल छतरप नहीं उठ सकता, एक प्रवृत्ति ऐसा है कि कभी कभी कुछ लोगों के खिलाफ चली जाती है और बाबूलाल मरांडी वॉज ए विक्टिम ऑफ हिज एफिशिएंसी एंड हिज ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी और अपनी एफिशिएंसी का विक्टिम बने थे बाबूलाल मरांडी, और बाबूलाल मरांडी के खिलाफ सिर्फ राजनाथ सिंह जी नहीं थे उस टाइम पे, अगर हिमांशु को याद हो कि उसमें वेंकैया नायडू जैसे तमाम ऐसे नेता थे जो कि इस फैक्टर को पुश कर रहे थे कि अर्जुन मुंडा, जिनको माना जाता था कि ज्यादा प्लायबल चीफ मिनिस्टर साबित होंगे झारखंड में, पूरा घटनाक्रम जो है वो इस फेवर में गया था कि किस तरह से बाबूलाल मरांडी को हटाया जाए, उसके बाद बाबूलाल मरांडी किस तरह से वनवास में गए, अलग पार्टी शुरू हुई और किस तरह से वो वापस लाए गए। इवेंचुअली बाबूलाल मरांडी के अलावा झारखंड में बीजेपी कोई ट्राइबल नेता नहीं खड़ा कर पाई है, ये बीजेपी की एक क्राइसिस है कि ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट में, जैसे हिमांशु ने कहा कि 26% के करीब वहां वोट है जबकि छत्तीसगढ़ में 32 है, क्राइसिस बीजेपी के लिए भी यही आएगी कि अगर बाबूलाल मरांडी को, जैसे मांचू ने कहा कि वह किसी ट्राइबल को झारखंड में मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, वो अब रीजनल एस्पिरेशन नहीं होगा सौरभ, कहीं ना कहीं रीजनल एस्पिरेशंस और कास्ट एस्पिरेशंस ऐसे हो रहे हैं। अभी अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू दिया है इंटरव्यू को, उसमें उन्होंने एक बात कही है कि जब जब चीजें ग्राउंड पे जिस तरह मूव करती हैं उसके असेसमेंट करते हुए एस्पिरेशंस को एड्रेस करना बहुत जरूरी हो गया है। क्या है कि ट्राइबल समाज और बहुत सारे समाज जो एक समय पे वोट दे करके खुश हो जाते थे कि साहब बन गए अब सरकार, वो ठेला लग गया, उनको ठेल दिया जाता था, वो समाज अब उस तरह के नहीं रहे हैं। अगर कांग्रेस ने बस्तर में और ट्राइबल बेल्ट में सफर किया है तो कहीं नॉन डिलीवरी भी एक इशू है, कहीं प्रोमिस को ना पूरा किया जाना भी एक इशू है, यानी वो समाज जो एक समय पे
गाय की तरह से खूंटे से बाधा होता था पॉलिटिकल पार्टी से, जो एक समय पे जैसे दलित हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, वो मायावती के साथ गए कांग्रेस को छोड़ करके, क्योंकि उनके एस्पिरेशंस बदल रहे थे। तो मैं इस बात को अभी एग्री नहीं करूंगा कि क्या झारखंड का ट्राइबल वोटर ये चीज बर्दाश्त करेगा या बीजेपी असेसमेंट में नहीं लाएगी कि ट्राइबल को मुख्यमंत्री पोस्ट नहीं जाए। मगर हाँ, बाबूलाल मरांडी आज की तारीख में भी बीजेपी के पास बेस्ट ऑप्शन है। अब बीजेपी वो जो रैबिट फ्रॉम द हैट ट्रिक करती है कि टोपी के अंदर से खरगोश निकाल दिया जादू से, वो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उप मुख्यमंत्री के लिए जगहें होती है राउंड सर? नहीं हो पाएगा हिमांशु साहब। ठीक है, बाद में चर्चा। मुझे नहीं पता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा कब तय करेंगे झारखंड में सीएम और डिप्टी सीएम, लेकिन राहुल श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्र में गंभीर मतभेद देख रहे हैं झारखंड को लेकर। चलिए अब रुक करते हैं राजस्थान का। अरविंद चोटिया जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? बताइए अरविंद चोटिया जी। शुक्रिया, आप धैर्यपूर्वक इतनी देर से इंतजार कर रहे थे मेरा पहला सवाल। मैं भजन लाल शर्मा जी पे आऊंगा, उससे पहले बाकी जो पद के दावेदार थे उनकी राजनीति का क्या हुआ, क्या चर्चाएं चल रही हैं? जो पद के दावेदार हैं उनमें सबसे बड़ी दावेदार थी वसुंधरा राजे। उनके पास में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद है और वो बेहतरीन पद है अभी उनके काम करने के लिए, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी आने वाला है। उसके बाद में बड़े दावेदार थे गजेंद्र सिंह शेखावत, वो खुद केंद्र में मंत्री हैं अभी। उसके बाद में एक बड़े दावेदार थे किरोड़ीलाल मीणा, जिनके बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष किया है और किया भी है, उन्होंने ग्राउंड पे संघर्ष किया है, जितने भी मुद्दे थे वो हमेशा सड़क पे रहे। फिर जो दूसरे दावेदार थे राजेंद्र राठौड़, बड़े दावेदार थे, चुनाव हार गए। उसके बाद में दावेदार थे सतीश पूनिया, वो चुनाव हार गए, दिया कुमारी और सब सेट हो गए ये। फिर एक दावेदार हैं राज्यवर्धन राठौड़, वो भी इंतजार में हैं और फर्स्ट टाइमर भी है यहाँ पे विधायक के रूप में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या क्या किस तरह की सुगाहट है, क्या वसुंधरा राजे अपने बेटे दुष्यंत की जगह झालावाड़ से चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का? मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव चार बार से उनके पुत्र दुष्यंत सिंह लड़ रहे हैं और उनका सबसे बड़ा जो है वो कोई है बैकफुट पे आने का कि उनको चुनाव लड़वाना है। तो फिर राज्य की राजनीति में वसुंधरा की क्या भूमिका रहेगी? संगठन मंत्री चंद्रशेखर से उनकी बहुत ज्यादा बनती नहीं, हाल तक प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, अब ये लगभग तय माना जा रहा है जब भजन लाल शर्मा ब्राह्मण समाज से मुख्यमंत्री बन गए हैं सीपी जोशी को कहीं और एडजस्ट किया जाएगा। उसके पहले सतीश पुनिया थे जाट समाज से आते हैं, उनके साथ बनती नहीं वसुंधरा की। दिया कुमारी और वसुंधरा के बीच कैसा समीकरण है सबको पता है। जितने भी आपने नाम लिए हैं या जितने भी हैं उनमें से किसी से नहीं बनती है। मजे की बात यह है वसुंधरा राजे अपने आप में एक वो खेमा है बड़ा राजस्थान में बीजेपी का, लेकिन इस बीच में उनके खेमे से निकल के कई अलग खेमे बन गए। इस सारी खेमेबाजी को खत्म करने के लिए ही ये सारा खेल हुआ है। तो अभी वसुंधरा राजे की ऐसा कोई भी बड़ा नेता नहीं है जिनसे बनती हो, साफ साफ बनती हो दिखती हो, ऐसा कोई भी नेता नहीं है। तो ये एक बिल्कुल अलग खेमा है और बाकी जो दो बड़े खेमे थे वो चुनाव हार गए। इसके अलावा जैसे ही भजन लाल शर्मा का नाम सुना, जैसे जैसे वीडियो अंदर से आए उसके बाद में सभी लोगों ने अपने अपने खेमेबाजी एक तरह से पीछे कर लिया खेमेबाजी से। अब कोई भी खेमेबाजी दिखाने की स्थिति में नहीं है। विधायकों की गोलबंदी अब किसी को नहीं करनी है, विधायक भी इच्छुक नहीं किसी के यहां भोज भात के लिए जाने में। शुरू में ये बात आई थी कि कुछ विधायकों की गोलबंदी की गई है, लेकिन उसके बाद में जिस दिन विधायक दल का नेता चुना जाना था तो एक 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 करके सारे के सारे विधायक वहां पर उपस्थित हो गए, एक भी विधायक ऐसा नहीं रहा जो कहीं बाहर रहा हो जी। और अब तो मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग चला गया है कि अब कोई शायद कहीं जाने की सोचेगा भी नहीं बहुत जल्दी से। जयपुर में क्या चर्चा है, भजन लाल शर्मा के चुनाव के पीछे वजह क्या थी? कई लोगों ने कहा कि जिस तरीके से लाहौटी का टिकट काट कर सांगानेर से उनको टिकट दिया गया, जो कुछ लोग पहुंचे पार्टी मुख्यालय विरोध करने उनको भी बेरंग लौटा दिया गया, वहीं से संकेत काफी स्पष्ट थे। कई ने कहा कि चंद्रशेखर के साथ नजदीकी काम आई, बहुत अलग अलग थ्योरीज दी जा रही। कोई कह रहा है कि जेपी नड्डा उन्हें तब के दिनों से जानते हैं जब वो भरतपुर के जिलाध्यक्ष थे और नड्डा साहब वहां पर गोवर्धन परिक्रमा करने जाया करते थे। कई लोग कह रहे हैं भजन लाल अमित शाह की आंख में तब चढ़े जब वो बंगाल के चुनाव में
कुछ दायित्वों के लिए भेजे गए, कई लोगों ने कहा कि संगठन और संघ में उनकी स्वीकार्यता उनके काम आई, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चुनावी विश्लेषणों में गिनाए जा रहे हैं। जयपुर जोधपुर में क्या चर्चा है? सारी बातें सही है, इसमें इसमें क्या हुआ है, इन्होंने भरतपुर से टिकट मांगा था। मैं चुनाव से पहले यानी टिकट वितरण से पहले मैं भरतपुर में था, तो वहां जो लोगों ने बताया वो ये था कि अगर इनको भरतपुर से टिकट मिलता है तो ये 12 बजे से पहले चुनाव हार जाएंगे। 12 बजे से पहले का मतलब होता है कि मतलब बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बड़े अंतर से हार जाएंगे, ये वहां पर लोगों का फीडबैक था। भरतपुर की किस सीट से ये मांग रहे थे टिकट? भरतपुर सीट से टिकट मांग रहे थे, ये भरतपुर के जिलाध्यक्ष रहे हुए हैं और इनके गुरु हैं गिरधारी तिवारी, तो वो भी टिकट के दावेदार थे, तो दोनों सुभाष गर्ग के मुकाबले। जी अच्छा जी बताइए। हाँ फिर इसके बाद में जब जो जैसे हमने जो चीजें बात की पता किया वैसा ही पार्टी ने भी पता किया होगा, तो उनको वहां पे सुरक्षित सीट नहीं लगी। वो सांगानेर एक ऐसी सीट है जहां से बहुत आराम से बीजेपी का कैंडिडेट जीतता है। इनसे इनसे पहले तो अशोक लाहोटी थे, वो भी अच्छे मार्जिन से जीते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, और उसके पहले घनश्याम तिवाड़ी जो अभी राज्यसभा सदस्य हैं वो भी सांगानेर से जीत कर आए थे। तो ये सीट लगातार बीजेपी के पास में है और बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पर बीजेपी की, तो इनको यहां से चुनाव लड़वाया गया बजाय भरतपुर के। तो उसके बाद में आप इनको एक चीज और देखिएगा, इनका सब कुछ तय होता है शायद पहले से, ये पंक्तियों की बात आती है ना कि कौन से कौन किस पंक्ति में खड़ा है, तो इनको सबसे लास्ट वाली पंक्ति में खड़ा किया गया, पांचवी पंक्ति में। तो कहानी तो पूरी बहुत पहले से चल रही है, बस ये है कि इन्होंने इतनी पचाकर रखी, ये बड़ी बात लगती है। जी हिमांशु जी, क्या फैक्टर्स रहे भजनलाल शर्मा के नाम के पीछे? मैंने आपको एक जो बताया जा चुका है उससे आगे बताना है आपको, जो इतने दिनों में बताया जा चुका है। सौरभ जी, भजनलाल जो है शर्मा 2015 से अब तक, यानी ये पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को छोड़ दें तो 23 विधानसभा चुनावों में उनकी ड्यूटी लगी है, 23 दिल्ली के अंदर लगी है, बंगाल जहां जहां चुनाव होते थे वहां वहां भजनलाल शर्मा की ड्यूटी लगती थी किसी ना किसी क्षेत्र के अंदर। कल मुझे एक बड़े मंत्री ने एक अच्छा किस्सा सुनाया कि भजनलाल शर्मा जो है 2017 के विधानसभा चुनाव में पंजाब से लौट के आ रहे थे और लगभग घर पहुंचने वाले थे, एक घंटे की दूरी पे थे, तो उनको क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि भजनलाल को जो है वो लगा दो वहां अपने केशव प्रसाद मौर्य जहां से चुनाव लड़ रहे थे उस सीट पर सिराथू में, तो उन केंद्रीय मंत्री ने क्योंकि वो वहां के प्रभारी भी थे तो उनसे फोन किया कि भाई भजनलाल तुम आ जाओ, तो उन्होंने कहा जी मैं 45 दिन तो अभी पंजाब में होके आया हूं, आप कहें तो मैं 2-4 नहीं नहीं आ जाओ गृह मंत्री जी ने कहा है और नहीं तो मुझे जवाब देना पड़ेगा भाई तुम्हारा नाम लिया। तो अगले दिन सुबह 9 बजे भजनलाल शर्मा सिराथू पहुंच जाते हैं। तो भजनलाल शर्मा जैसे अभी अरविंद जी ने भी कहा कि बंगाल से लेकर तमाम जगहों पे वो रहे और गृह मंत्री अमित शाह उनकी संगठनात्मक जो दृष्टिकोण है और जो उनकी पकड़ है संगठन पर कैसे काम कराया जाता है वो, क्योंकि 4 बार के महामंत्री हैं प्रदेश के, आप सोचिए अरुण चतुर्वेदी के टाइम से वो चले आ रहे हैं। मुझे लगता है ओम माथुर के साथ भी कुछ समय उन्होंने काम किया होगा। तो एक चीज तो ये हो गई, दूसरी मुझे लगता है कि एक ऐसा नाम, एक ऐसी जाति जो नॉन कंट्रोवर्शियल है, अगर आप गुजर को बनाएंगे तो मीणा नाराज हो जाएगा, आप जाट को बनाएंगे तो राजपूत नाराज हो जाएगा, आप मालिनी बनाइए आपने ब्राह्मण चेहरा दे दिया। जो नॉन कंट्रोवर्शियल जाति है और नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है, वसुंधरा को भी ये लगे जिसमें कि अच्छा ठीक है जिनको बनाना था जो मेरे दुश्मन थे वो तो नहीं बने ना। और जातियों के समीकरणों को भी साधने में सबसे अच्छा उन्होंने किया कि ना गुजर बना, ना मीणा बना, ना जाट बना, ना राजपूत बना, 2 डिप्टी सीएम बनाए, 1 राजघराने से और 1 दलित। ये जो कास्ट कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी थी, मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, आप देखिए 7 सांसद जो हैं उनके उनको चुनाव में उतारा गया, 3 हार गए उसमें से,
और उन सात में से सिर्फ एक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बाकी का भी भविष्य क्या होगा ये अभी किसी को मालूम नहीं है कि उनको मंत्री बनाया भी जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भजन लाल शर्मा की जो संगठन के अंदर पकड़ा। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, शायद मैं गलत भी हूं सर जी, पिछले कुछ दिनों में एक चीज भारतीय जनता पार्टी में दिखने लगी थी कि बाहर से आए हुए कुछ ज्यादा तवज्जो मिलती थी और बड़े पद मिलते थे, वो संगठन में भी सरकार में भी राज्य सरकारों में भी, मुख्यमंत्री भी बने हैं, उप मुख्यमंत्री भी बने हैं और प्रदेश के अध्यक्ष तक बने हैं और पार्टी संगठन में बड़े बड़े पदों पे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं और दर्शक बहुत समझदार है ललन टॉप के। नहीं, ये मत करिए, ये नाम नहीं लूंगा, दर्शक समझदार हैं फिर भी नाम बता दें। दर्शक बहुत समझदार हैं ललन टॉप के, उनके राजनीतिक समझ को मैं कभी भी चुनौती नहीं दर्शक को लोट दे रहे हैं कि भैया हमने तुम्हें समझदार कह दिया, आप समझ जाओ नहीं तो तुम्हारी दिक्कत है। अच्छा चलिए मैं आपको बता देता हूं जी, आप प्रेमा कांडू, हेमंत विश्व शर्मा, सर्वानंद सोनेवाल, वीरेन सिंह, माणिक शाह, ये सब बाहर से हैं, ब्रिजेश पाठक, बैजंत पांडा, सब बाहर के हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप पुरी, अश्विनी वैष्णव, आरके सिंह, एक तरीके से अब ये संदेश जा रहा था पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर हम में क्या कमी है, या तो दूसरी पार्टी से आ रहे हैं या लेटरल एंट्री हो रही है, लेटरल एंट्री है, हम में क्या कमी है कि हमको नहीं पूछा जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चीज है, संगठन में उनका जो फीडबैक सिस्टम है ना उसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर आप देखेंगे तीनों प्रदेशों में जो 9 व्यक्ति हैं वो हार्ड कोर संगठन के आदमी हैं, कोई बाल स्वयंसेवक होगा, कोई एबीवीपी से आया होगा, कोई पार्टी संगठन में पिछले 20-25 साल से काम कर रहा होगा, ये बैकग्राउंड है, बिल्कुल जमीनी कार्यकर्ता। तो ये जो बायलेटरल एंट्री और आउटसाइडर्स को लाओ, उधार के लठेत को लाओ और उसको बड़ा पद दे दो, इस ये जो कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी इसको थोड़ा हद तक कम भी किया गया है। जैसे अरविंद जी भी बोल रहे थे कि हो सकता है कि राजवर्धन राठौर, बाबा बालकनाथ, तमाम ऐसे लोग थे, मैं वही कह रहा हूं सौरभ जी, कि जिनका था। और इसी लाइन को मुझे लगता है कि पीएम ने भी, मुझे लगता है कि उन्होंने इस चीज को भली भांति समझा होगा फीडबैक से कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक तरीके अंदर दबा हुआ रोष है कि हम में कुछ कमी है क्या, हमको क्यों नहीं जगह मिलती है। ब्रजेश पाठक भी बाहर से आए हैं, 2017 के विधानसभा चुनाव में आए थे और तमाम मंत्री हैं। ब्रजेश पाठक के समर्थक ये कहते हैं कि जब बीजेपी का हस्ताचल चल रहा था तभी वो गए थे, वरना तो वो बचपन से संघ से जुड़े हुए हैं, उनका परिवार पूरा। किनका? ब्रजेश पाठक का। नहीं, आप क्या ब्रजेश पाठक कितने लंबे समय से हैं, कभी बीजेपी में रहे? नहीं रहे। मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूं और यही मुझे लगता है, ये मैंने कहा कि मुझे लगता है कि बाहर से आए व्यक्ति को ज्यादा सम्मान मिलता है। ये कार्यकर्ताओं के अंदर हल्का सा, मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं दर्द था और इस दर्द को बहुत बेखूबी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने समझा और उसको उसकी वायरिंग ठीक कर दी। वसुंधरा का दर्द समझा? मुझे लगता है वसुंधरा का दर्द उनको समझना नहीं था और दूध का जला छाछ फूक फूक पे ही पीते हैं। 2009 की घटना मैं आपको जिक्र नहीं करूंगा। नहीं कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये सिर्फ एक संयोग नहीं लग रहा है कि ऑब्जर्वर के तौर पर राजनाथ सिंह को भेजा गया जयपुर। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, राजनाथ सिंह उस वक्त अध्यक्ष थे, राहुल जी भी थे, हम सब रिपोर्टिंग करते थे और आज भी करता हूं मैं तो, खैर राहुल जी अभी बड़े पद में है। तो उस वक्त वसुंधरा राजे को कहा गया कि आप एनओपी नहीं बननी और 73 विधायकों में से, माफ कीजिएगा, 78 विधायकों में से 64 विधायक जी और दो अन्य विधायकों के साइन किए हुए 65 विधायकों ने पहले लाल किशन आडवाणी के घर के बाहर धरना दिया था और फिर राजनाथ सिंह के घर के बाहर धरने पे बैठे और 3 महीने तक वसुंधरा राजे ने इस्तीफा नहीं दिया था पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला होने के बाद जी। अंत में वसुंधरा राजे को मनाया गया
और ये कहा गया कि पार्टी का फैसला है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि पार्टी का फैसला तो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिया, ये पार्टी के अध्यक्ष ने नहीं लिया। जी जी जी, आप एक बार इस्तीफा दे दीजिए, फिर दे दिया। हाँ। 2013 में उनको दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर नितिन गडकरी और सबने पहले ही तय कर लिया था कि वो मुख्यमंत्री की उम्मीदवार भी होंगी और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देगी। 2018 के अंदर घटना घटती है, प्रदेश अध्यक्ष नए बनाने की बात आती है और वसुंधरा राजे अड़ जाती है कि सब कुछ सही है लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं बनेंगे। और मुझे याद है उस वक्त गजेंद्र जी जो है वो ग्रीस गए हुए थे। मेरी देर रात उनसे बात हुई, मैंने कहा कि आपके नाम की घोषणा हो जाएगी शायद, उन्होंने कहा नहीं होगी। मैंने कहा क्यों, कहते कुछ चीजें हैं। अंत में 2-3 महीने तक चलता रहा, राजेंद्र राठौर तमाम विधायक आते थे जाते थे लेकिन वसुंधरा टस से मस नहीं हुई। और अंत में बीच का रास्ता ओम माथुर ने निकाला और मदन सैनी को जो राज्यसभा सांसद थे उनको प्रदेश अध्यक्ष बनवाया गया। तो दूध के जले थे, छाछ फूक फूक कर पीना था। और वसुंधरा राजे को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो मुझे लगता है कि सरकार और संगठन जो साख लेने की परंपरा मानते हैं, उस विचार को मानते हैं पीएम मोदी, वो चलती नहीं थी वसुंधरा के टाइम पे। संगठन कुछ सोचता था, सरकार कुछ करती थी, संगठन कुछ करता था, सरकार अलग दिशा में सोचती थी, मुझे लगता है उसका परिणाम है। और 2016 में जो है वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान रमन सिंह को कहा गया था आप दिल्ली आइए और दिल्ली के अंदर आपकी बहुत जरूरत है, आप लोग बड़े पोर्टफोलियोज को संभालिए, सरकार के लिए आपके पास एक्सपीरियंस है। तब तीनों ही नेताओं ने मना कर दिया था एक सुर से। और आपको याद होगा उस वक्त एक व्यक्ति आए थे गोवा से, मनोहर पर्रिकर, और उनको रक्षा मंत्री बनाया गया था देश का। तो मुझे लगता है कि प्री प्लान था। अच्छा, सब कुछ भजन लाल शर्मा के अलावा किसी और नाम पे विचार हुआ था दिल्ली में? मुझे लगता है कि मैंने कहा कि सब कुछ पहले से तय हो जाता है किसको क्या करना है, क्योंकि जो बात अरविंद जी कह रहे हैं भरतपुर से उनको लड़ाई जाने की बात, वो भी चाहते थे भरतपुर से लड़ाई जाए लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नहीं भरतपुर से नहीं, आपको सांगानेर से लड़ना होगा। और सोच विचार कर ही उनको सांगानेर से लड़ाया गया था। अच्छा, जब किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसी सेफेस्ट सीट से उतारा जाता है तो उसके मायने कुछ और होते हैं। ये मुझे लगता है कि हम सबसे चूक हो गई और इसको स्वीकार भी करना चाहिए कि पढ़ नहीं पाए इस चीज को। राहुल श्रीवास्तव जी, बिल्कुल, रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 5 साल बाहर रहे, सक्रिय नहीं रहे इन 5 सालों में। वसुंधरा को लेकर कहा जाता है कि 2-3-4 साल तो उतनी सक्रिय नहीं रही लेकिन पिछले 1 साल तक वो बहुत सक्रिय रही, संगठन से ज्यादा संगठन के समानांतर। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि उनका अपना एक वजूद है, उनकी अपनी एक पकड़ है राजस्थान में, उनकी अपनी एक लोकप्रियता भी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने वसुंधरा या आगे हम शिवराज सिंह चौहान का भी जिक्र करेंगे, क्या विकल्प रह जाते हैं खासतौर पर राजस्थान के संदर्भ में? और भजन लाल शर्मा के चुनाव के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? सौरभ, अगेन इसको फिर से एक वाइडर पिक्चर देखनी होगी। सबसे पहली बात ये कि अगर ये तीन राज्य देखे जाएं तो अगर आप यहां के नेता देखें तो एक बड़ा एक टिपिकल पैटर्न सौरभ यहां पे था। यहां पे तीन ऐसे नेता थे जो कि सिनोनिमस टू अटल बिहारी वाजपेयी एरा थे लगातार, जैसे शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह और वसुंधरा, ये सत्ता में रहे, या जैसे वसुंधरा के लिए कहा जाए कि जब वो चुनाव जीतती थी तो ऑटोमेटिक सीएम और चुनाव हारती थी तो ऑटोमेटिक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता था उनके लिए, पार्टी के लिए। उनके लिए क्या है कि एक बीजेपी ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो की है इन चुनावों में कि किसी भी राज्य में अगर आप देखें तो पुराना नेतृत्व जो होता है उसका एक एंटी इनकम्बेंसी बिल्ड हो जाती है, पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी बिल्ड हो जाती है, एमएलए की हो जाती है और काडर की हो जाती है। बीजेपी ने ये जो चीफ मिनिस्टरियल फेसेस नए उतारे हैं बाहर से प्लग करके, जिनका अगर आप देखें तो कोई बैगेज नहीं, कोई भी बैगेज का ना होना बीजेपी के लिए 2024 के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग क्लीन स्लेट पर शुरुआत जिसे कहेंगे वो है, जिसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा चिपका हुआ है,
नए लोगों का आने वाले दिनों का थोड़ा काम होगा, बीजेपी की आइडियोलॉजी और इस सब पे आगे काम चलेगा। एक ये एंटी इनकम्बेंसी और जो बैगेज फैक्टर है पुराने नेताओं का, तीन का, वीआरएस का, वसुंधरा, रमन सिंह और शिवराज का, वो एक तो खत्म होता है। दूसरा, हिमांशु जी ने बात कही कि ब्राह्मण एलिमेंट के लिए मैं कहूंगा कि बीजेपी ने अपनी चॉइसेस में और अपनी पॉलिटिक्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अब दिखानी शुरू कर दी है कि यस, उन्होंने ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी के अंदर रोष हो रहा था कि बाहर से इंपोर्टेड माल को आप तरजीह ज्यादा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, स्टेट में बना रहे हैं। आप देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लोग चुन करके आए थे या टूट करके आए थे, उन लोगों को दोबारा टिकट दिया जाना, ये सब एक बीजेपी के अंदर हो रहा था। बीजेपी को अपने रैंक एंड फाइल को भी एक सिग्नल देना था, नितिन गडकरी स्टाइल का, नरेंद्र मोदी स्टाइल का, कि साहब कार्डर में जो नीचे से घिस करके आता है वही ऊपर चढ़ता है, ये एलिमेंट जो है ये बीजेपी को देना था। मैं कहूंगा कि बीजेपी ने इस चुनाव से एक चीज क्लियर कर दी कि किसी भी कॉन्सेप्ट का और किसी भी नेता की मठाधीशी अब नहीं चलेगी। कॉन्सेप्ट ये कि जो है पहले ही वो बनेगा, बाहर से आया जैसे आया, वो एक फ्लेक्सिबिलिटी अब बीजेपी दिखाएगी। अगर जरूरत है आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा जैसे नेता जिसमें पोटेंशियल है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को चला सके या वहां की पॉलिटिक्स को ट्वीकिंग कर सके या नॉर्थ ईस्ट का अमित शाह हो सके, तो उसको बाहर से लाके इंपोर्ट करके उसको बना दीजिए। लेकिन अगर जरूरत है तो अपने कार्डर के आदमी को प्रमोट करिए। अब देखिए, ये भजनलाल जी के बारे में बात हो रही है कि अचानक से एक नया फेस चुना गया। नाउ इफ यू गो बैक टू 2001, मुझे याद है कि गोपाल बिष्ट आज तक के कैमरामैन हुआ करते थे, जिनका कि दुखद देहांत हुआ था एयर क्रैश में, माधोरा सिंधिया जी का जो प्लेन क्रैश हुआ था सितंबर के आखिर में 2001 में, और उसी टाइम में करीब जब उनका क्रिमेशन हो रहा था वहां पे नरेंद्र मोदी, जो बहुत लोग नाराज होते कि नरेंद्र मोदी आज मीडिया से मिलते नहीं, एट वन टाइम ही वॉज अ वेरी इंटरेक्टिव पर्सन और मीडिया के लोगों से बहुत उनका बनती थी, तो वो उनका क्रिमेशन अटेंड कर रहे थे। वहां जब फोन आता है अटल बिहारी वाजपेयी का, बुलाए जाते हैं शाम को, तब उनको अचानक भेज दिया जाता है मुख्यमंत्री के आवास में, और उनके पास आवास भी नहीं था उस टाइम पे। तो अचानक एक नए नेता को जो दिल्ली में था, इनफैक्ट अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको उस टाइम पे कहा था कि दिल्ली में रह के बहुत मोटे हो गए हो, तुम्हें गुजरात जाना होगा, तो नए नेता को अचानक भेजा जाना, ये बीजेपी में एक प्रथा रही है। अगर आप शिवराज सिंह चौहान का ही चॉइस देखें 2005 में, तो ही वॉज इन दिल्ली, हालांकि वो बहुत जनरल सेक्रेटरी के तौर पर बहुत काम नहीं किया था उन्होंने, मगर वो भेजे गए बाबूलाल गौड़ की जगह। तो कुल मिलाकर के ये जो पहला आइडिया है कि पुराना का नहीं, किसी भी उसमें मोल्ड में फिट मत बैठ जाइए। दूसरा एलिमेंट ये देखिए कि राजस्थान में ब्राह्मणों की जो पॉपुलेशन है वो करीब आई थिंक इफ आई एम नॉट, छोटिया साहब जानते होंगे, 5% करीब है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो यादवों की पॉपुलेशन जो है वो 6% है। ये बीजेपी की कंफर्मिंग एक पॉलिसी, अगर आप देखें कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जहां मराठा डोमिनेटेड है वहां एक ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर दिया जाता है फडणवीस साहब का, हरियाणा में जहां पे जाटों को एक बाहुबल माना जाता है वहां पे खट्टर साहब को लाया जाता है। आप देखिए कि डोमिनेंट कास्ट का जो एक होल्ड होता है उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। और अगेन जैसे मैंने छत्तीसगढ़ के लिए कहा, ट्राइबल उस राज्य के लिए नहीं, आसपास के राज्यों को सिग्नलिंग का देखिए, तो आप देखिए कि भजनलाल शर्मा जो है उत्तर और विंध्य में का जो इलाका है उसके अंदर 2009 के बाद जब रमेश निशंक पोखरियाल साहब मुख्यमंत्री बने थे उत्तराखंड में, तब से लेकर के पहला मुख्यमंत्री ब्राह्मण फेस को बनाया गया है। अब इसका अगर आप देखें तो एडजॉइनिंग स्टेट में, कंटिगुअस स्टेट जिसे कहते हैं, उसका इंपैक्ट देखिए तो उत्तर प्रदेश में 11% ब्राह्मण जो है वो सबसे बड़ा सवर्ण का ग्रुप, सवर्ण ग्रुप में है। उत्तराखंड में 20% के करीब ब्राह्मण है, 18% अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा अगर आप देखें कि छत्तीसगढ़ में विजय शर्मा जी को लाया गया, उत्तर प्रदेश में हिमांशु ने जैसे कहा ब्रजेश पाठक जी को लाया गया, नड्डा जी जो है वो ब्राह्मण है। इसके अलावा बहुत सारे, मेरे ख्याल से चार राज्यों में
बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो ब्राह्मण हैं। एक कोशिश की गई है, अगर आप चोटिया जी को याद होगा कि एक ब्राह्मण महासंगम हो रहा था जिसमें काफी विरोध के स्वर ब्राह्मणों में उठ रहे थे, जिसमें ये मांग कर रहे थे कि मंदिर जितने हैं वो कंट्रोल से छोड़े जाएं, रिजर्वेशन कोटे की बात हो रही थी 14% की, और तमाम 35 सीटें मांग रहे थे बीजेपी और कांग्रेस से कि 70 सीटें हमें चाहिए। बीजेपी ने जो ये अगेन ये फिर राजस्थान का फैसला भी लिया है, ये तमाम बड़े एक मैक्रो पिक्चर और एक माइक्रो पिक्चर दोनों को लेके लिया है। एंटी इनकम्बेंसी रिमूव करना, किसी एक डोमिनेंट कास्ट का होल्ड ना होने देना, ये सारी जो फैसले हैं मेरे ख्याल से जिस तरह लिए गए हैं ये बीजेपी की 24 की रणनीति, नरेंद्र मोदी ओरिएंटेड रणनीति, दोनों का एक होलसम पिक्चर है। जी शुक्रिया। अरविंद चौटिया जी, कांग्रेस के खेमे में क्या सुगुआट है? कांग्रेस के खेमे में अब शुरुआत होगी, आपके प्रदेश अध्यक्ष और जो अभी है वो गोविंद सिंह डोटासरा है। तो अभी कांग्रेस के खेमे में सबसे पहले तो नेता प्रतिपक्ष की बात है, तो उसमें जो नाम दौड़ में है उनमें सचिन पायलट है सबसे आगे, उसके बाद में हरीश चौधरी है, उसके बाद में जो तारानगर से जीत कर आए हैं नरेंद्र बुडानिया हैं, और एक जाट नेता और हैं। तो ऐसे में जो जो स्थिति यहाँ पे बीजेपी में है वैसी ही करीब करीब वहां भी एक 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 पद जैसे जाट है तो वो या तो प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा या जो नेता प्रतिपक्ष है वो किसी दूसरी जाति से होंगे। और अब क्योंकि इधर परिवर्तन हो गया है तो कांग्रेस में अब परिवर्तन की मांग बहुत तेजी से उठेगी आगे वाले परिवर्तन के लिए। देखिए ये जो चुनाव है इसमें खाली ये मुख्यमंत्री तक नहीं था बदलाव का, आप देखिए इसमें पीढ़ी परिवर्तन बहुत जगह किए गए हैं। बीजेपी ने उन सारी जगहों पर जहां पर 75 पार के नेता थे अपने उन सबको इस बार टिकट नहीं दिया है। आप देखिए यहाँ पर जोधपुर में एक सूर्यकांता व्यास थी जो बहुत नाराज थी टिकट काटने की बात से ही, उनको टिकट नहीं दिया गया तो उनके परिवार को भी टिकट नहीं दिया गया और दूसरे संघ के कार्यकर्ता को टिकट दिया गया। फिर इधर बाड़मेर में घोड़ा मालानी से जो विधायक के प्रत्याशी थे उनके बेटे को टिकट दिया गया, पचपदरा से जो प्रत्याशी रहे थे 5 बार 6 बार एमएलए रहे उनके बेटे को दिया गया, शाहपुरा जो भिलवाड़ा में वहां पे मेघवाल साहब हैं उनका टिकट काट दिया गया, ऐसे ऐसे तमाम टिकट काट दिए गए जो उम्र पार वाले हैं। लेकिन सेम कांग्रेस में उन लोगों ने अपने बेटों के लिए टिकट मांगा जो 75-80 पार के प्रत्याशी हैं, उनके बेटों को टिकट नहीं देकर उन्हीं को टिकट दिया गया जो शिव विधानसभा क्षेत्र से अमीन खां थे या फिर गुड़ा मालानी से कर्नल सोनाराम को टिकट दिया गया बीजेपी से लाकर वो भी 78 साल के थे, दीपेंद्र सिंह जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं उनको टिकट नहीं दिया गया, उनके बेटे को नहीं दिया गया, ये सारे लोग हारे। तो अब जब बीजेपी ने इतना बड़ा बदलाव किया है तो कांग्रेस में भी अब इस बदलाव की मांग उठेगी कि अब कम से कम जो यहां पर पुराने नेता हैं उनको रिटायर किया जाए जैसे बीजेपी ने किया है। तो अभी तक कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष में फैसला नहीं किया है, अभी कुछ मीटिंग्स होंगी उसके बाद में होगा, लेकिन ये जो पीढ़ी परिवर्तन है ये इस बार कांग्रेस में 100% होने की संभावना बनती है और बीजेपी के इस मूव के कारण ज्यादा बड़ी बन जाती है। तो फाइनली सचिन पायलट को नए सिरे से एकाधिकार मिलेगा? हो सकता है सचिन पायलट को मिले, लेकिन कांग्रेस है यहां पर दावेदार दूसरे भी हो सकते हैं और हैं, लेकिन जो जनरेशनल शिफ्ट है वो होना है। अब वो सचिन पायलट की तरफ जाता है या दूसरे किसी की तरफ जाता है ये देखने वाली बात। पार्टी इज ओवर फॉर अशोक गहलोत जी, पार्टी इज ओवर फॉर अशोक गहलोत? हाँ, क्योंकि अब मांग बढ़ेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी। अभी तक कुछ भी आया नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है बीजेपी में जो कांग्रेस के जो रिजल्ट रहे हैं बड़े बड़ी उम्र वाले नेताओं के हिसाब से और जो जो रिस्पॉन्स अभी जैसे भजनलाल शर्मा को बनाया है, तो सर अभी सही कह रहे थे श्रीवास्तव साहब की जो युवा कार्यकर्ता है उनमें जो भाजपा के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जमीन पे काम किया है जिनको कभी कुछ मिला नहीं है उनमें एक बहुत जबरदस्त उम्मीद बढ़ी है कि हाँ इस पार्टी में काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौड़ के पुनर्वास की क्या खबरें चल रही हैं? सतीश पुनिया जी को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है क्योंकि वो सतीश पुनिया जी
इस बार चुनाव हार गए और इसके पहले भी वो तीन चुनाव हार चुके थे। एक कार्यकाल मिला उनको विधायक का, इस एक कार्यकाल में उनको विधायक का कार्यकाल भी मिला, प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल भी मिला, उपनेता प्रतिपक्ष का कार्यकाल भी मिला और इसलिए वो बड़े मजबूत हो गए थे। संघ के आदमी हैं, संगठन के आदमी हैं, शुरू से कार्यकर्ता हैं, तो उनको हो सकता है कि इस बार बीजेपी का अध्यक्ष वापस बना दिया जाए और जो सीपी जोशी साहब हैं उनको कहीं वापस केंद्र में भेज दिया जाए, क्योंकि दोनों ही पदों पर ब्राह्मण हो गए और अभी तो जैसे कह रहे थे ब्राह्मण आबादी। चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा वो भी, राज्यपाल कलराज मिश्र, राज्यपाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी, तो उसके हिसाब से इनका हो सकता है कि पूरे उत्तर भारत का कोटा यही पूरा हो रहा है। तो ये चेंज हो सकता है। राजेंद्र राठौड़ के लिए एक बात चल रही है राज्यसभा में भेजने की, दूसरी बात चल रही है लोकसभा से भेजने की, जो राज्यवर्धन राठौड़ ने सीट खाली की है अभी यहां से, या फिर अगर वो चूरू से लड़ने की बात करते हैं कि वहां पे, क्योंकि उनका जो वहां पे एमपी हैं, तो एमपी हैं, उनके पिताजी भी पहले एमपी थे, राहुल कस्वा के पिता हैं, तो उनके बीच में पुरानी लड़ाई है। इस बार आरोप ये है कि उन्होंने चुनाव हरवाया है चूरू जिले की सभी सीटों पे, तो ये लड़ाई पता नहीं आगे जाके कहां तक पहुंचती है, लेकिन फिलहाल पूरी खुन्नस है। अब इस खुन्नस में या तो चूरू से लोकसभा की सीट ली जाए या फिर जयपुर ग्रामीण की सीट ली जाए या दिया कुमारी सीट की तरफ जाया जाए, ये आगे जाके तय करेंगे अगर लोकसभा में भेजा जाता है तो, क्योंकि अभी राजस्थान में कोई गुंजाइश बनती नहीं है इसमें विधानसभा तक पहुंचने की। जी, और राहुल जी, सौरभ जी, हाँ, अरविंद जी ने एक लाइन बोली है कि ली जाए सीट चूरू की या फिर जो है जयपुर ग्रामीण की या अन्य सीट ली जाए। आज की भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई सीट कोई भी व्यक्ति ले नहीं सकता, मांग सकता है। बिल्कुल 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 एग्री सर। जी जी बिल्कुल। अब हम लोग राजस्थान से मध्य प्रदेश का जिक्र करते हैं, लेकिन जाते जाते दर्शकों को बता दूं, लोकसभा को लेकर अभी राजस्थान में भाजपा में सब कुछ इसलिए भी तय नहीं है क्योंकि कांग्रेस के भी कुछ कद्दावर नेता लोकसभा चुनाव से पहले कतार लगाकर भाजपा में आने की तैयारी कर रहे हैं और आला कमान के करीबियों तक अपना संदेश भेजा जा चुका है। रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। नितिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए साहब, कहां से आया मोहन यादव का नाम और इस नाम के बाद अब क्या चर्चाएं हैं? देखिए, मोहन यादव का नाम जो है वो साफ तौर पर देखा जाए तो भाजपा के तीन बड़े नेता और एक संघ के नेता द्वारा लाया गया। नाम बताइए। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी जो हैं वो भूपेंद्र यादव बने और उसके बाद से मोहन यादव के नाम की पटकथा लिखना शुरू हुई। भूपेंद्र यादव के साथ साथ जेपी नड्डा और मोहन यादव साथ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम कर चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जेपी नड्डा जब राष्ट्रीय मंत्री थे उनके बाद जो है उन्होंने अपना शाल उड़ाया जाता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, जो नया राष्ट्रीय मंत्री आता है उसको, तो वो शाल उन्होंने मोहन यादव को ही उड़ाया था और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने मुख्यमंत्री का शाल मोहन यादव को उड़ा दिया। तो साफ तौर पर इन दोनों नेता और संघ के एक बड़े नेता जो आज संघ में भले ही उतने कद्दावर नहीं हो लेकिन सुरेश सोनी जी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं मोहन यादव, और जब से उनको जो भी मिला देखा जाए तो जब भारतीय जनता पार्टी की 2003 में चुनाव था तो बड़नगर से जो है वो उनको टिकट दिया गया था जो शांतिलाल गवई की एक रैली के बाद उन्होंने वापस लौटा दिया था, फिर उसका उनको एक पुरस्कार दिया गया कि उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया, फिर लगातार वो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, जब वो वहां से हटे तो उनको पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया, जब वहां से उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो 2013 में उनको टिकट दे दिया गया, 13 में वो जीते, 18 में जीते, 23 में जीते। तो मोहन यादव के नाम की पटकथा हम लोग ये मान सकते हैं कि अखबारों में जो नाम चल रहे थे, टीवी में जो नाम दिखाई दिए जा रहे थे, शायद उसमें मोहन यादव का नाम नहीं था, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले 1.5 साल पहले से एक नाम बराबर चर्चा में आता था कि जब जब शिवराज सिंह चौहान को हटाने की चर्चा होती थी तो तब तब मोहन यादव, इंदर सिंह परमार, भूपेंद्र सिंह, ये तीन पिछड़े वर्ग के नेताओं के नाम हमेशा चर्चा में आया करते थे कि इनमें से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इस बार जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई दिग्गज नेताओं को मध्य प्रदेश में उतार दिया तो अब के वजह शिवराज सिंह चौहान को हटाने की चर्चा हुई तो
तो प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, बी डी शर्मा, इन राकेश सिंह, इन सारे नामों के बोझ के तले कहीं ना कहीं मोहन यादव का नाम दब गया था। लेकिन भाजपा के जो नेता दिल्ली में बैठे हैं, जिन्हें हम कहें भाजपा आला कमान, उनकी नजर में तो वो नाम पहले से था और उस नाम को बहुत ताकत मिली जब भूपेंद्र यादव यहाँ आए, अश्विनी वैष्णव यहाँ आए, जो एक प्रवासी जगह जगह के विधायक आए थे। उनका एक सम्मेलन भोपाल में कराया गया था, एक होटल में जब वो सम्मेलन हुआ था तो उस दिन मंच पर भूपेंद्र यादव और मोहन यादव, इन दोनों के बीच की जो जुगलबंदी देखने को मिली, तो तभी लोगों को समझ लेना चाहिए था कि आने वाले समय में भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है। और ये पटकथा लगातार जो है जो लिखी जा रही थी, बराबर ये चल रही थी, इसको और ताकत तब मिली जब ये सारे नेता, जिन बड़े नेताओं के नाम चले, चाहे वो प्रहलाद पटेल हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हों, चाहे नरेंद्र तोमर हों, चाहे ज्योतिराय सिंधिया हों, इनमें से सब लोग ये चाह रहे थे कि इनमें से कोई ना बने। तो उससे जो भाजपा का आला कमान है उसको और ताकत मिली, तो उसने तो जो नाम सोच रखा था, जब सब लोग ये चाह रहे थे कि ये लोग ये ना बने, ये ना बने, ये ना बने, तो उसका जो नाम था उसको उसको सामने रखने में, इन सारे नेताओं के आपसी जिसे कहें कि अंतर विरोध के चलते और दम मिली। और उसने जो है वो जो मोहन यादव जो उनके दिमाग में पहले से था, क्योंकि भूपेंद्र यादव, फिर भूपेंद्र यादव के साथ जेपी नड्डा, कहीं ना बताया आपने। ये बताइए, नरेंद्र तोमर का ये रिटायरमेंट प्लान तय हो गया है, अब 5 साल वो स्पीकर रहे और उसके बाद राज्यपाल के रास्ते? नहीं, राज्यपाल का रास्ता भारतीय जनता पार्टी में तो अभी कोई ये सोच ही नहीं सकता कि किसको आने वाले समय में कौन सा रास्ता मिलेगा, क्योंकि जो ये मान रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उन्हें ये नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री बनने की जगह केवल विधायक बन के रह जाएंगे, मध्य प्रदेश आएंगे। तो नरेंद्र तोमर जी के साथ भी यही है कि नरेंद्र तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री थे, मध्य प्रदेश में जो है वो जो स्पीकर बनाए गए, तो अभी तो उनके साथ एक बड़ी समस्या है। बाकी लोगों के साथ तो ये है कि कम से कम राजनीति कर पाएंगे, स्पीकर के साथ तो एक समस्या होती है कि उसकी राजनीति ही खत्म हो जाती है। जितने दिन सत्र चलेगा उतने दिन स्पीकर का काम होता है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय लगातार नहीं जा सकते, आप बहुत पत्रकार वार्ता नहीं ले सकते, आप बहुत कांग्रेस पे हमला नहीं कर सकते। तो स्पीकर तो वैसे भी जो है वो गवर्नर का छोटा रूप होता है कि जब सत्र चलेगा तो आप स्पीकर रहेंगे, उसके बाद शादी ब्याह में जाइए, लोगों के बरे में जाइए, अपने क्षेत्र में घूमिए। कैबिनेट मंत्री का दर्जा है लेकिन कैबिनेट मंत्री का रुतबा नहीं है। नहीं, रुतबा यहाँ एक ही स्पीकर का रहा है, यदि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दिग्विजय सिंह के जमाने में श्रीनिवास तिवारी स्पीकर हुआ करते थे। उस समय कहा जाता है कि वो नोट शीट रख के बैठते थे जब सत्र चलता था, और दिग्विजय सिंह को अपने कमरे में बुलाते थे और कहते थे इसमें साइन कर दो, तो दिग्विजय सिंह वहीं बैठे बैठे साइन करते रहते थे, जो नोट शीट बुलाते थे, इसका तबादला करना है, इसकी नियुक्ति करना है, ये करना है, तो वहीं बुला के साइन कराते थे। तो उसके बाद से मध्य प्रदेश में कोई ऐसा स्पीकर नहीं हुआ जिसने स्पीकर का रुतबा चलाया हो। तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, स्पीकर है, विधानसभा में आपका सब कुछ है, लेकिन आपकी जो राजनीति, नरेंद्र सिंह तोमर जिस तरीके के राजनेता रहे हैं, मध्य प्रदेश में संगठन के अध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, एक दबदबा था हमेशा, जब कैबिनेट बनेगी तो नरेंद्र सिंह तोमर का रोल था, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, तो मध्य प्रदेश का एक बहुत सक्रिय नाम था। जब जब शिवराज सिंह चौहान को बदलने की बात आती थी तो जो पहला नाम चर्चा में आता था वो हमेशा नरेंद्र सिंह तोमर का ही आता था। तो इस बार भी लोग आश्वस्त थे, इस बार तो काफी तैयारी थी, जैसे हम कहें कि जिस दिन भाजपा की विधायक दल की बैठक यहाँ चल रही थी भोपाल में, उस दिन दो लोगों के बंगलों पर तो पूरी तैयारी थी कि वहां से सूचना आए और पटाखे फोड़े जाए, एक तो प्रहलाद पटेल के बंगले पे और एक नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पे, इस बात की काफी तैयारी थी कि प्रहलाद पटेल भी क्या करें, ऊपर से विधायक दल के नेता यही होंगे और सुबह से नाम भी यही चल रहे हैं। प्रहलाद पटेल भी क्या करें, ऊपर से संकेत ही ऐसे मिल रहे थे उनको कि कोई भी कंफ्यूज हो ही जाएगा। पर बिल्कुल प्रहलाद पटेल को लेकर तो ये माना ही जा रहा था, क्योंकि जब वो जिस तरीके से जब वो भोपाल आए थे और उस दिन उनके बंगले पे जिस तरीके की भीड़ थी, तो उस दिन तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब कहीं कोई शंका नहीं है कि वो शपथ लेंगे। और भूपेंद्र यादव सिर्फ मोहन यादव के नाम की पैरवी नहीं कर रहे थे। अब ये माना जा सकता है कि भाजपा का जो हाईकमान है वो ऐसे ही चौंकाता है कि जो व्यक्ति पूरी तैयारी में हो, और कल जिस तरीके से नड्डा जी ने कहा कि कौन से नाम चलते हैं और कौन से चलवाए जाते हैं, उनकी जो मुस्कुराहट बता रही थी तो वो समझ रहे हैं कि कौन कौन से नाम चले और कौन से चलवाए गए, और इसी का परिणाम निकला कि मोहन यादव की लाठी खुल गई। जी, और रही भूपेंद्र यादव की बात, तो वो सिर्फ मोहन यादव का नाम नहीं चल रहा था, उनके उनसे जुड़े सूत्रों के हवाले से उसमें प्रहलाद पटेल और भी कई पिछड़े वर्ग के नेता थे जिनकी दावेदारियों को पुख्ता बताया जा रहा था।
और अमूमन चुनावी जीत के बाद नरेंद्र मोदी का जिक्र होता है, स्वाभाविक है, बीजेपी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय। संगठन का जिक्र होता है, स्वाभाविक है, संघ का जिक्र होता है, स्थानीय नेताओं का जिक्र होता है, प्रभारियों का जिक्र भी होना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा जीती तो उसमें मनसुख मंडाविया और ओम प्रकाश माथुर की मेहनत भी है, मध्य प्रदेश में भाजपा जीती तो इसमें भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव की मेहनत भी है, राजस्थान में भाजपा जीती तो इसमें प्रहलाद जोशी और अरुण सिंह की मेहनत भी है। हिमांशु जी, इन लोगों के नंबर कितने बढ़े दिल्ली दरबार में? सौरभ जी, मुझे लगता है कि जिन लोगों को नंबर देने की बात आप कह रहे हैं मुझसे, अगर आप उनसे कहें कि आप अपने को नंबर दे दीजिए तो वो ना देना चाहे, वो दौड़ लगा जाएंगे, क्योंकि उनको पता है सामने आए तो संभावना खत्म, नेपथ्य में रहो। देखिए, मुझे एक चीज समझ आती है सौरभ जी कि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, नितेंद्र जी भी मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे। एक चीज को बहुत प्रोजेक्ट किया गया, वो था लाडली बहना योजना, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता एक चीज कहते थे कि लाडली बहना योजना ने बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं कर दिया या कोई चमत्कार नहीं कर दिया, कोई आविष्कार नहीं था जिसके बाद हम 162 के आगे। उनका कहना था हम सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो हमने 17,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप मध्य प्रदेश में बनाए और उसके साथ अपनी जो मंडल अध्यक्ष है महिलाएं उनको जोड़ा, उसका परिणाम है। दूसरा, प्रधानमंत्री की गारंटी। तीसरी बात भारतीय जनता पार्टी के एक चीज है कि भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव या ओम माथुर और मनसुख मांडविया, ये लोग अपनी जगह पे काम कर रहे थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज थी वो थी गृहमंत्री अमित शाह की माइन्यूट चीजें, लोगों से मिलना, देर रात तक बैठकें करना, क्या हुआ, कैसे क्या बदलाव करना है, ये सारी चीजें जो हैं वो गृहमंत्री अमित शाह तैयार करते थे और वो बताते थे कि आपको ये करना है, आप फीडबैक लेके जाएंगे, वो बताएंगे कि इसको ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएगा, और सब सारी जगह ही हुआ। छत्तीसगढ़ की आपने बात की, एक एक्सपेरिमेंट किया गया वहां कि वहां दो जो है क्रिश्चियंस को टिकट दी गई और एक जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के एक जवान को टिकट दी गई, एक टिकट जो उपाध्यक्ष की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी उनके बेटे को टिकट दी गई। तो ये एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किए और उसका इंपैक्ट मिला छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में भी बहुत सी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने की, कुछ टिकट काटे गए, कुछ सांसदों को हर प्रदेश में उतारा, जी प्रयोग, लेकिन उस प्रधानमंत्री की भूमिका और गृहमंत्री का जो रणनीति है जी, उसको कोई नहीं नकार सकता। नहीं नहीं, लेकिन हिमांशु जी, मैं दिल्ली की इस व्याख्या से सहमत नहीं हूं कि लाडली बहना का कोई असर नहीं हुआ। अगर ऐसे जनादेश को आपको शिवराज को रिटायर करना है मध्य प्रदेश से, करिए, लेकिन जनादेश का गलत पाठ मत करिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं वो सत्य है और मैं भी उससे सहमत हूं। उसका कारण यह है कि छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जाती है तो महतारी योजना लेके आती है, महतारी वंदन योजना जी, ₹1,000 देंगे। हाँ, वही लाडली बहना योजना का एक दूसरा रूप वहां, और फॉर्म भराए जाते 50,00,000। और सबसे ज्यादा उत्साह से जब आप विधानसभा के प्रत्याशियों से, जो माननीय विधायक हो गए, ऐसे कईयों से हमने बात की, सब बता रहे साहब हमने 68,000 फॉर्म भरवाए, हमने 74,000 फॉर्म भरवाए, 50,00,000 नहीं, मैं विधानसभा वार बता रहा हूं जी। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि आप उसका श्रेय नहीं देंगे। उसके कारण है, एक, शिवराज सिंह 15 साल से मुख्यमंत्री है, ओबीसी चेहरा है पार्टी के, आज की डेट में पार्टी में अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा चेहरा ओबीसी का है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान दूसरी बार पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य बने, गृहमंत्री अमित शाह जब पार्टी के अध्यक्ष थे तब उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाया गया था। उससे पहले जब वो मुख्यमंत्री बन के गए थे तब उनको, तब वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य थे। तो आप ये नहीं कर सकते। दूसरा, आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान, मैंने कहा कि आपको ट्रांजिशन पीरियड है, ये
अब आपको बदलना है सब कुछ। शिवराज सिंह चौहान ने वसुंधरा राजे और रमन सिंह के साथ कहा था कि वो केंद्र में नहीं आना चाहते। जब आपको सरकार बनानी पड़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, जो विधायक है वो ठीक है, तब आपने शिवराज सिंह चौहान को ही आगे भेज सका। लेकिन बीच में बहुत बार खबरें आई कि शिवराज सिंह चौहान को बदला जाएगा या बीडी शर्मा को बदलने की बात शिवराज कहते थे, तो बीच का रास्ता निकाला गया, ना तुम हारे ना ये हारे। उसमें एक चीज मुझे बहुत मध्य प्रदेश में लगती है, वो ये कि जो कुछ पार्टी को फैसले लेने थे वो ले लिए हैं, और नए चीजों का इम्प्लीमेंटेशन जो पार्टी कर रही है, नए चेहरे बुलाए, मोहन यादव उसका आज तक। एक और चीज सौरभ जी, कि बीजेपी अभी तक नॉन यादव ओबीसी की राजनीति करती थी ज्यादातर 2014 के बाद से और पहले भी। इस बार यादव फेस को मुख्यमंत्री बना के क्या संदेश है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी यादव हैं, हरियाणा में यादव हैं, मध्य प्रदेश में भी यादव है, तो और यादव तो तेलंगाना में भी है, आंध्र में भी है। तो एक तरीके से यादव जाति को भी थोड़ा सा समथल करने की कोशिश की गई है। मोहन यादव पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, संघ के स्वयंसेवक हैं, ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन बदलाव सोच समझ के लिया गया है। और शिवराज सिंह चौहान के लिए मुझे लगता है कि कोई रास्ता बचा नहीं है कि वो लोकसभा भी लड़े। चलिए, हिमांशु जी को ऐसा लगता है, अब समझ लेते हैं राहुल श्रीवास्तव जी को कैसा लगता है, क्योंकि राजनीति की हमारी समझ तो ये कैसी है कि कहती है कि शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं की अनदेखी करना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए ना तो श्रेयस्कर है और ना ही वो ऐसा सोचते हैं। उनकी पेशानी पर बल इसलिए ज़रूर होगा कि शिवराज जहाँ जहाँ जा रहे हैं सुर्खियाँ वहीं से प्रकट हो रही हैं। राहुल श्रीवास्तव जी, मध्य प्रदेश की रिडल, नए नाम का चुनाव और शिवराज सिंह चौहान की भविष्य में भूमिका। सबसे पहला सौरभ, जिस लाइन में अभी हम चल रहे हैं, शिवराज को आपने मुख्यमंत्री पद से नहीं मिला, ब्रेक मिल गया। अब वो 2019 में लाए गए थे पार्लियामेंट्री बोर्ड में, लेकिन दोबारा बीजेपी हैड टू लीन बैक ऑन, दोबारा उनके पास जाना पड़ा था। शिवराज जैसा जो सीवी है, यानी बायोडेटा इस टाइम अगर है, तो मेरे ख्याल से बीजेपी में बहुत कम नेता होंगे सौरभ जिनके पास ऐसा बायोडेटा होगा। 2000 में युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट थोड़े समय के लिए 2005 में बने, 16.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, 4-5 टर्म शायद एमपी रह चुके हैं, छठी टर्म लड़ सकते हैं। ये जो एक सीवी है शिवराज सिंह चौहान का, आप भले ही उनको चुनाव में इस चुनाव में उनको दरकिनार कर सकते हैं, नया फेस ला सकते हैं, पार्टी में नया फेस ला सकते हैं, लेकिन ये पूरा ट्रांजिशन अगर 2024 के लिए किया गया है तो उसका हिस्सा शिवराज सिंह चौहान को का कद छोटा करके नहीं हो सकता। यानी उसके अंदर ये एलिमेंट वीविन करना होगा कि अगर उनके समर्थकों को, उनकी जाति को, तमाम लोगों को ये लगता रहे कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स में आज भी रेलेवेंट है। इसमें एक इंटरेस्टिंग डेटा अगर मध्य प्रदेश का अगर आप देखें तो बीजेपी की मार्च जो है तमाम वोट बैंक्स में अच्छी रही है। अपर कास्ट का वोट जो है वो इंप्रूव हुआ है, अगर आप देखें तो ट्राइबल्स का वोट में बीजेपी का इंप्रूवमेंट आया है, बीजेपी को ट्राइबल वोट ज्यादा पिछली बार से मिला है। लेकिन एक बात बीजेपी मध्य प्रदेश में यह याद रखेगी कि अभी भी बीजेपी का कांग्रेस के मुकाबले जो दलित वोट और जो कांग्रेस के मुकाबले है वो अभी भी पोलिंग कम है, और जो बीजेपी की एक बढ़त दिखी है दलित वोट के अंदर, उसके अंदर बीजेपी और जो पोलस्टर्स हैं वो एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग पाते हैं कि उसके उनमें महिलाओं में शिवराज सिंह चौहान इज ए फैक्टर, और वो फैक्टर अगर इस तरह के जिसे कहते हैं ना ग्रैनुलर डेटा, अगर आप ढूंढे डेटा के अंदर डेटा ढूंढे तो कहीं ना कहीं अगर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर करना 2024 के लिए फेटल होगा। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को मैं कहूंगा
दैट ही विल स्टिल रिमेन अ फोर्स, या बीजेपी का जो बुके होगा, फूलों का गुलदस्ता होगा मध्य प्रदेश में, वो उसमें दिखाई देंगे। हालांकि बड़ी इंटरेस्टिंग जो कवायद की है मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के द्वारा, वो आई थिंक बीजेपी का, जैसे हिमांशु ने भी कहा कि बीजेपी ने एक ऐसा स्टेप इन अ डायरेक्शन लिया है जो कि उसके बाकी राज्यों के के लिए एक आई ओपनर है। बीजेपी के सामने एक सबसे बड़ा फैक्टर जो इन चुनाव में आ रहा था, जो फियर था, वो था कि एक कास्ट सेंसस का इश्यू, कि कास्ट सेंसस की डिमांड जो ऑपोजिशन के नेता उठा रहे हैं उसका क्या होगा। बीजेपी के लिए पहला एडवांटेज जो पैदा हुआ वो ये था कि इन कॉन्टेस्ट में सब जगह कांग्रेस वर्सेस बीजेपी था इन राज्यों में, और कांग्रेस का जो कास्ट सेंसस के मामला था, ओबीसी की हिमायत कर रहे थे, वो फ्रंट कर रहे थे राहुल गांधी, और उस राहुल गांधी और कांग्रेस की फ्रंटिंग जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल जो है वो नहीं हुई, यानी ज्यादा उसको कांग्रेस बढ़ा नहीं पाई। और इसका फायदा बीजेपी को मिला कि बीजेपी अपना कंसोलिडेशन नॉन यादव ओबीसी में कर पाया, और इसका नुकसान हुआ है इनफैक्ट कांग्रेस को। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अगर देखें तो जो 15 अपर कास्ट कैंडिडेट कांग्रेस ने फील्ड किए थे, 13 हार गए, उनमें से ब्राह्मण जो थे वो 8 लूज कर गए। तो कहीं पे ये कॉन्ट्रीब्यूट कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस की कास्ट सेंसस का मामला है वो कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए थोड़ा सा डेट्रिमेंटल हो सकता है। अगर आप ये वोट देखेंगे मध्य प्रदेश का जो कदम उठाया है यादव साहब को मुख्यमंत्री बनाना करके, तो मैं कहूंगा कि एक तो ये यूनिक स्टेप है, डोमिनेंट कास्ट को इग्नोर करते हुए 6% के जो कास्ट है उससे एक नेता को पिक किया जाता है, यंगर हैं, थोड़े उतावले हैं। इनफैक्ट जिस रात को उनको गवर्नर साहब से मिलके आए, वो उतावलेपन में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे अपने आप को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया था। शिवराज सिंह जी भी तो उस समय पे एक्स में यानी ट्विटर में दो मुख्यमंत्री थे उसमें, और थोड़ा ट्विटर पर जब उनको मार पड़ी तो उन्होंने उसको तुरंत बदला था। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश जो कि कंटिगुअस स्टेट है और बिहार जहां पे पड़ेगा। हालांकि मैं एक राइडर इसमें देना चाहता हूं कि कांग्रेस के खिलाफ ये एलिमेंट बीजेपी ज्यादा सक्सेसफुली कर सकती है कि कास्ट सेंसस के इशू को दबा दे, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में उतना आसान नहीं होगा जब अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव उठेंगे। लेकिन एक यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाना मध्य प्रदेश में ही नहीं देखा जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार में जरूर देखा जाएगा। वहां पे अगर आप पॉलिटिक्स देखें तो एक फ्रैक्चर कुछ सालों पहले बीजेपी को उसका फायदा हुआ था कि यादव वर्सेस नॉन यादव ओबीसी का जो फायदा हुआ था कि यादव जब सत्ता में आते हैं, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह या लालू यादव, तो फायदा उसके जो इमीडिएट बेनिफिशियरीज और लार्जर बेनिफिशियरी होते हैं वो यादव होते हैं, नॉन यादव ओबीसी और एमबीसी को उसका फायदा नहीं मिलता है। उस मुहिम में ये दिखाने को बीजेपी को मिलेगा कि अगर यादव, अगर आप अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव की वोट को वोट देने की बात करते हैं, समर्थन करते हैं यादव, हमारी पार्टी में एक मामूली आदमी, नॉन परिवार के नेता के परिवार का आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये यादवों को एक सिग्नल जो है वो उत्तर प्रदेश में जा सकता है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में 14% की करीब आबादी है, यूपी में 30% अगर ओबीसीज हैं तो उसमें से 10% आबादी जो है वो जो है यादवों की है। तो बीजेपी के लिए एक अच्छा सिग्नल कंटिगुअस स्टेट्स में ही बन सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि एक वाइडर पिक्चर जरूर है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स की बात करें तो मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स अभी भी अगर आप देखें तो इस चुनाव के दौरान भी एक क्लैरिटी इमर्ज कर रही थी कि कहीं ना कहीं अभी भी नरेंद्र मोदी एट द लेवल ऑफ द ग्राउंड लेवल 2024 के लिए एक एमिनेंट और प्रोमिनेंट फेस बना हुआ है, और वो बीजेपी के बाकी लोगों को कैरी करता है। आई थिंक ये फैक्टर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो कॉमन प्ले किया है वो बीजेपी के लिए इवेंचुअली अच्छा पल करेगा फ्यूचर में भी। थैंक यू राहुल जी। सौरभ जी मैं एक लाइन बोल देता हूँ उसके बाद, क्योंकि मैंने शिवराज सिंह चौहान के लिए कहा कि मुझे नहीं लगता फ्यूचर में अब वो चुनाव लड़ेंगे। उसका कारण ये है कि पिछले कुछ समय से शिवराज सिंह चौहान जो है अपने बयानों में आधा गिलास भरा हुआ और आधा खाली छोड़ देते हैं। अगर आप उसको पूरी तरीके से देखिए, जब उनकी टिकट अनाउंस नहीं हुई थी, दो सूची जारी होने के बाद भी उन्होंने कहा था
बुधनी जाके ही शायद कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, आप बताइए मैं मुख्यमंत्री बनूं नहीं बनूं या नहीं बनूंगा तो क्या होगा। फिर वो ये कहते हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, 29 की 29 सीटें जीत कर देने का संकल्प जो है 2024 में पीएम मोदी के लिए लेता हूं और वहां जाऊंगा जब भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में हार मिली है। अभी परसों का उनका एक स्टेटमेंट है या उससे एक दिन पहले कि उन्होंने एक बात कही कि अपने लिए अगर मांगना पड़ जाए तो उससे पहले मैं मर जाना पसंद करूं। तो ये जो बयान है ये पार्टी आला कमान को ये एक तरीके से ये बताते हुए कि अगर आप मेरा कुछ नहीं करेंगे तो ऑप्शन बहुत है। इसीलिए आज की भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके के बयान जो है मुझे लगता है रास नहीं आएंगे। बस इतना ही सही मेरा मन। शिवराज के सामने विकल्प भी कितने हिमांशु जी, नतीजे आए थे तब से प्रधानमंत्री दफ्तर से समय मांग रखा था मिलने का, तमाम नेताओं को समय मिला, शिवराज को समय नहीं मिला। देखिए बातें बहुत हैं, दोनों तरफ हैं, ठीक है, पर राजनीति में समय में एक समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के अंदर बड़े इमेज बन रहे थे 2012 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, तो राहुल जी को भी याद होगा कि लालकृष्ण आडवाणी शिवराज सिंह चौहान को प्रेस करते थे और ये कहते थे कि गुजरात मॉडल तो ठीक है लेकिन एक बीमारू प्रदेश को आप बेहतर प्रदेश कैसे बना सकते हैं, ये शिवराज सिंह चौहान ने करके दिखाया है जी। तो मुझे लगता है, ये भी है कि अभी एक घाव पुराने हैं। प्रश्न ये भी है कि जो एक बार बार कहा गया कि राजनेता नरेंद्र मोदी के सामने एक विकल्प का अभाव आता है, डेथ ऑफ टैलेंट पूल, इसीलिए लेटरल एंट्री इतनी होती है, कभी आरके सिंह को लाते हैं, अश्विनी वैष्णव को लाते हैं, एस जयशंकर को लाते हैं, और बाद के दो नामों की तो मंत्री के तौर पे परफॉर्मेंस की भी खूब सराहना होती है जयशंकर और अश्विनी वैष्णव की। नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री थे केंद्र में, अब वो राज्य की राजनीति में हैं, तो ऐसे में ये बार बार बात हो रही। खैर आगे जो होगा वो सूचित किया जाएगा। नितिन जी एक बार फिर आपका रुख कर रहा हूँ एक आखिरी दफ़ा ये जानने के लिए कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस का क्या, कौन बनेगा विपक्ष का नेता विधायक दल में, और जो पुराने दिग्गज हैं खास तौर पर कमलनाथ, क्या गहलोत की तरह उनके लिए भी पार्टी इज ओवर नाउ? कांग्रेस पे बोलने के पहले सौरभ जी, लेकिन ये जो बात चल रही थी शिवराज सिंह चौहान की उस पर 2 मिनट आपको बताना चाहूंगा कि जो भी लोग ये मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का रोल चुनाव जीतने में नहीं रहा, शायद वो इस पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव को झुठला रहे हैं। क्योंकि जब राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी में एक सरकार जाती है, तेलंगाना में एंटी इनकम्बेंसी में एक सरकार जाती है, छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी में एक सरकार जाती है, तो मध्य प्रदेश में एक सरकार वापस आती है और तो बड़े मार्जिन से आती किसी है। नेता को जी। केवल इसलिए झुटला दो कि इस नेता को खत्म करना है तो वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन ये सच्चाई है कि मध्य प्रदेश में जो नेता आज जो लोग बड़े बड़े पदों पर जिनको बिठाया गया है, 3 तारीख के फोटो और 3 तारीख के वीडियो आप किसी से निकलवा लेना, जब उनकी रैलियां निकल रही थी तो उनके हाथ में बैनर था लाडली बहना तुम्हारा आभार। ये जो बड़े बड़े पद पर जो बैठे हैं जिनको बिठाया गया है, उनके चुनाव के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद की रैलियां जो थी, उनके ट्वीट आप पुराने चेक कर सकते हैं, वो सब लाडली बहनाओं का आभार व्यक्त कर रहे थे। रैलियों में पोस्टर बैनर और हाथ में तख्तियां लेके चल रहे थे वो खुद कि लाडली बहनाओं तुम्हारा आभार। लेकिन क्या हुआ, 5 तारीख और 6 तारीख को जब हाईकमान के हिंट मिलना शुरू हुआ कि लाडली बहना का नाम नहीं लेना, तो फिर उन सारे नेताओं के बयान बदले। उन्होंने कहा कि नहीं ये मोदी मैजिक है, किसी ने कहा कि नहीं ये गरीबों के कल्याण के कारण हुआ है, किसी ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के कारण हुआ है, और सारे लोग इस बात पर लग गए कि कैसे भी करके, क्योंकि जब भी वो लाडली बहना का जिक्र करते थे तो उनको कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का चेहरा दिखाई देता था, और उनको ये लग रहा था कि भाजपा का हाईकमान अभी शिवराज सिंह चौहान को क्रेडिट देने के इस चुनाव के खिलाफ है। तो वो सारे नेता जो एक दिन पहले तक मतलब तो उनके ट्वीट आज भी पड़े हुए हैं, उनके बयान आज भी जो है वो प्लेटफॉर्म पर हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, वो सारे नेता ये बोल रहे थे कि लाडली बहना के कारण चुनाव जीते, वरना 30,000, 40,000, 50,000 आप तो खुश सौरभ जी भोपाल होकर गए हैं, मध्य प्रदेश होकर गए हैं, जिन नेताओं के हारने की स्थिति थी वो 20,000 से 30,000, 35,000 से चुनाव जीते। अब कांग्रेस पे आता हूं मैं,
कांग्रेस की आप बात जो कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस फिलहाल लोकसभा चुनाव तक तो कमलनाथ जी के हाथ में ही रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि यदि किसी और के हाथ में चली गई तो कांग्रेस में खर्चा कौन चलाएगा। AICC तो मध्य प्रदेश में पैसा देगी नहीं। हमको आज भी वो दौर याद है कि 2003 का चुनाव हुआ था, दिग्विजय सिंह चुनाव हारे थे, उसके बाद सुभाष यादव को अध्यक्ष बनाया गया था, राधा किशन मालवीय हटे थे, सुभाष यादव अध्यक्ष बने थे, तो कांग्रेस में सामने जो एक चाय की घूमटी लगती है उसकी उधारी हो गई थी बहुत बड़ी, क्योंकि जो नेता लोग चाय मंगाते थे पीते थे उसके पैसे वो नहीं देते थे, तो PCC में इतनी उधारी हो गई थी। तो कमलनाथ जी के आने के बाद कम से कम वो उधारी नहीं है, लोग जो है वो चाय भी पी रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं कांग्रेस में, तो कांग्रेस को चलाएगा कौन, ये समस्या है। तो इसलिए बार बार सारा विरोध होगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन कमलनाथ को लोकसभा चुनाव तक मुझको नहीं लगता कि कांग्रेस का हाईकमान हटाएगा। दूसरा, जो नेता कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार हैं या जो नेता कांग्रेस में किसी पद पर आना चाहते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग इस चुनाव में चुनाव खुद ही हार गए, तो अभी तो उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही है, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे वो सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे वो तरुण भानोत हो, तो बड़े बड़े नेता कांग्रेस के इस बार धराशायी हो गए। तो जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए, तो अब कांग्रेस में दावेदार वो नेता हो सकते हैं, जैसे अरुण यादव की हम बात करें तो मोहन यादव के सामने हो सकता है भविष्य में अरुण यादव को प्रदेश अध्यक्ष बना के लाके खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि कल जैसे कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष का यहां पर एक बैठक थी, विधायक दल की बैठक थी, 15 मिनट में बैठक समाप्त हो गई, एक लाइन का प्रस्ताव पारित हो गया कि जो कांग्रेस का हाईकमान जिसको विधायक दल का नेता तय करेगा वो नेता प्रतिपक्ष हो जाएगा। तो कांग्रेस अभी भी पूरी तरह हाईकमान पर निर्भर है। और कल की आपको बड़ी घटना में मजेदार बात यह थी कि कल कमलनाथ बैठक में मौजूद नहीं थे, कल बैठक में दिल्ली से जो है भंवर जितेंद्र सिंह आए थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला आए थे, दिग्विजय सिंह विधायक नहीं है तो भी बैठक में मौजूद थे, लेकिन कमलनाथ बैठक में नहीं आए क्योंकि वो छिंदवाड़ा में अपने लड़के के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, वो और विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं ताकि नकुलनाथ की लोकसभा चुनाव में कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि ये सबको पता है कि पिछली बार नकुलनाथ बहुत कम वोटों से चुनाव जीते थे, तो इस बार हो सकता है उनको दिक्कत खड़ी हो जाए चुनाव जीतने में, तो इसलिए कमलनाथ नकुलनाथ की विषाद बिछाने में लग गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं है अभी कांग्रेस के पास जो कमलनाथ को हटाने के लिए सामने आ सके या कमलनाथ का विरोध कर सके। तो जब तक ये नहीं स्थिति बनेगी तब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस वैसे ही चलेगी जैसी चल रही थी। आपको एक दो दिन में किसी लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम मिल जाएगा, और उसमें भी जहां तक संभावना है ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी कांग्रेस में वही व्यक्ति तय होगा जो कमलनाथ खेमे का होगा। तो अभी मध्य प्रदेश की कांग्रेस लोकसभा चुनाव तक तो कमलनाथ जी के हाथों से निकलती दिखाई नहीं दे रही। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। आप तीन राज्यों में मुख्यमंत्रियों के चुनाव, भाजपा और कांग्रेस की रणनीतियों के बारे में सुन रहे थे। नेता नगरी के अगले सत्र में बात करेंगे संसद सत्र की। कितना कुछ होता है जब देश के लिए विधान बनाने को नेता जुटते हैं, कितना कुछ होता है जब उसी सदन में पीला धुआं आंखों पर छा जाता है, कितना कुछ होता है जब इस विधायिका के एक विधान पर न्यायपालिका की मुहर लगती है। ललन टॉप के इस कार्यक्रम नेता नगरी के सत्र में हम बात करेंगे संसद सत्र की। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव जी पिछले सत्र से कंटिन्यू कर रहे हैं, हिमांशु जी भी साथ में जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स अखबार के जतिन टक्कर जुड़ रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स अखबार से। आप पहले भी जतिन को हमारे साथ देख चुके हैं, पहले PTI में थे, अब ET में है। जतिन, सबसे पहले आपका ही रुख करेंगे, क्या हैं इस बार की हाइलाइट्स, विधानसभा चुनाव की जीत, जम्मू कश्मीर को लेकर एक विधान की प्रस्तुति और फिर सुप्रीम कोर्ट की उस पर साखी, सांसदों का निष्कासन, निलंबन, या फिर जिन बिल्स पर और बात होनी चाहिए, मसलन दंड संहिता और इस तरह के तमाम बिल जिनमें बदलाव की तैयारियां चल रही हैं। जतिन सर, सौरभ भाई, अगर आप हाईलाइट पूछे तो हाईलाइट वही रही जब दो लोग दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए, बाकी बिलों पे चर्चा वो सब होती रही, पर इस सेशन में मेन जो आप कह सकते हैं हंगामे की वजह वही रहा सौरभ भाई। नया संसद बना था, ये नई संसद का पहला सेशन था, इससे पहले एक स्पेशल सेशन हो चुका था और बहुत बहुत ज्यादा तादाद में लोग आ रहे थे, बहुत ज्यादा तादाद में देखा जा रहा था। सौरभ भाई, पुरानी पार्लियामेंट की तरह नई पार्लियामेंट में एक ही गेट पर सारा बोझ दिखता है, वो है मकर द्वार, जो कि बिल्कुल पुरानी पार्लियामेंट के सामने है। पुरानी पार्लियामेंट में उसी साइड पर जिस तरफ नई पार्लियामेंट बनी है चार गेट थे, चारों गेट से संसद दोनों सदनों के सांसद आ सकते थे, जा सकते थे, पर इस बार दो कूदे
वो नीचे कूदे, उन्होंने येलो कलर का धुआं उठाया, पर काबिले तारीफ बात ये रही कि मार्शल और सिक्योरिटी तो पहुंची पहुंची हमारे जो सांसद थे, खासतौर पर तीन सांसदों का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। पहला हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी पार्टी से आते हैं, हाल ही में उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता राजस्थान में, पर अब अपनी एमपी से ऑलमोस्ट इस्तीफा देने का उनका विचार है, वो विधानसभा में रहना चाहेंगे। दूसरा अमृतसर से कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजला और तीसरा बसपा के यूपी से सांसद मलुक नागस्ता। हनुमान बेनीवाल ने एक को पकड़ा और दूसरे को उसके हाथ से जो येलो कलर का कलर स्मोक था वो निकालते हुए गुरजीत सिंह औजला ने पकड़ा, और उसके बाद सब सांसद आए, इन्होंने पिटाई भी की। उसके बाद जो लोग हमें वहां बता रहे थे कि जब इन दोनों लड़कों को पकड़ा गया तो ये कह रहे थे कि हम कोई कुछ गलत नहीं करने आए हैं, हम सिर्फ अपना विरोध अपना यहाँ रजिस्टर कराने आए हैं, वो हम करा रहे हैं। और उसके बाद उन लोगों को काफी देर तक सिक्योरिटी में रखा गया और उसके बाद भेज दिया गया। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक मेरे पीछे पार्लियामेंट में एक जो लोकसभा सेक्रेटरी जनरल ने चिट्ठी लिखी थी एक हाई लेवल इंक्वायरी के लिए, एक टीम विजिट करी है जिसमें होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं, दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, सीआरपीए के ऑफिशियल्स हैं और कुछ आईबी के ऑफिशियल्स हैं, जो पूरा पार्लियामेंट का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जिक्र कर रहे हैं। इस दौरान हम ये भी सुनते रहे कि बहुत बार ऐसा किस्सा, बहुत बार ऐसी दुर्घटना भी पहले हुई है, पर सौरभ भाई आज जब मैं आपके लल्लन टॉप कार्यक्रम के लिए आ रहा था नेता नगरी के लिए, तो मुझे एक बड़ा दिलचस्प किस्सा जानने को मिला। किस्सा ये है कि एक बार नारा लगाने वाला जो एक लड़का था, युवक, वो आज इस संसद में सांसद बन के बैठा है। मैं बात कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी के जावेद अली साहब की। जावेद अली साहब ने 1988 में जब बलराम जाखड़ स्पीकर थे लोकसभा के, उन्होंने सुबह बलराम जाखड़ के घर अपने साथ एक वशिष्ठ नाम के लड़के का, वशिष्ठ उस जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे थे और जावेद अली उस यूनिवर्सिटी में फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी रहे थे, उस एक दिन पहले जाकर उन्होंने बलराम जाखड़ से कहा कि साहब हम संसद देखना चाहते हैं, हमारा पास बना दीजिए। पास बनाकर बलराम जाखड़ जो कि स्पीकर थे उनके पास पर वो दर्शक दीर्घा में गए। वो विरोध अपना रजिस्टर कराना चाहते थे क्योंकि एक बिल आ रहा था जिसमें जामिया मिलिया के बारे में बात हो रही थी, उनका कुछ विरोध था उस बिल को लेकर जिसमें जामिया मिलिया को लेकर कुछ चीजें थी जो वो नहीं मान, जिससे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी में और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों में विरोध था। तो जावेद अली ने, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और जो एक वशिष्ठ नाम का लड़का था, इन्होंने पर्चे फेंके। जैसे ही इन्होंने 5-7, 2-3 मिनट पर्चे फेंके, इनको पकड़ लिया गया, इनके पास थोड़ी बहुत पिटाई भी की और इसके बाद इनको सिक्योरिटी के कमरे में बिठा दिया गया। उसके बाद लोकसभा अडजर्न होती है, बलराम जाकर इनको अपने कमरे में बुलाते हैं, तब तक उनको पता चल जाता है कि ये किसके पास पे थे और बहुत गुस्से में तमतमाए आते हैं कि तुम्हें मेरे ही पास पर ये करना था और ये सब क्यों किया गया ऐसा वैसा। तो इन्होंने अपना ये कहा, इन्होंने कहा साहब हमारा काम विरोध प्रदर्शित करने का था, ये था। उसके बाद बलराम जाखड़ ने इन सब की इंक्वायरी की, जांच किया। उसके बाद बलराम जाखड़ ने कहा ठीक है मैं देखता हूं इस पे। उसके बाद वो अपने अपने ऑफिस में जाते हैं, सिक्योरिटी के ऑफिसर्स को बुलाते हैं, जो भी दिल्ली पुलिस से जांच करते हैं, इनका बैकग्राउंड चेक होता है, सब क्लीन पाया जाता है। उसके बाद बलराम जाखड़ इनको अपनी संसद में बुलाते हैं और कहते हैं कि अभी एक प्रस्ताव पारित होगा, वो जो प्रस्ताव पारित होगा उसमें तुम्हारी सजा तय होगी। तो सजा ये तय होती है कि जब तक ये आज संसद की कार्रवाई चलेगी तब तक आपको संसद में कमरे में बंद करके रखा जाएगा। जैसे ही वो ये बात बताते हैं उसके 10 से 15 मिनट बाद संसद की कार्रवाई खत्म हो जाती है और वो जावेद अली साहब और वो जो वशीष जी हैं उनको छोड़ दिया जाता है। और आज वो जावेद अली साहब जो 1988 में दुर्घटना की थी, आज समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में सांसद है। पर उसमें एक बात ये थी कि उस टाइम पर जावेद अली साहब का खुद कहना था कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई। अब ये लग रहा है कि जो लोकसभा की सिक्योरिटी है, जो लोकसभा स्पीकर को, उसको लेकर ऑपोजिशन में एक प्रोटेस्ट है। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि इसको एक राजनीति का विषय ना बनाया जाए, ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, और जो स्पीकर का भी कहना है। पर विपक्ष का ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है और उसी दिन होता है जो पार्लियामेंट अटैक की एनिवर्सरी है, उसको देखा जाए। सौरभ भाई, 4 लेयर्ड सिक्योरिटी है पार्लियामेंट की विजिटर्स के लिए। आप जैसे ही पार्लियामेंट पहुंचते हैं और अंदर एंटर करने की अपने रिसेप्शन एरिया में जब पास बनता है वहां पर आपकी फ्रिस्किंग होती है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ देखा जाता है और आपका अगर पास बन चुका तो वो देखा है। फिर आप रिसेप्शन एरिया से दोबारा आपकी फ्रिस्किंग और पास चेक होता है। फिर जब आप पार्लियामेंट बिल्डिंग में एंटर करते हैं फिर, और फिर चौथा बार जब आप गैलरी में जाते हैं। सौरभ भाई, इन चारों बार जो फ्रिस्किंग और चेकिंग है वो दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी है। आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना और आपकी पास वेरिफिकेशन करना वो जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है, उसमें लोकसभा सिक्योरिटी भी है, राज्यसभा सिक्योरिटी भी है। पर पहले पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग में इसके अलावा जो पार्लियामेंट की पेरीमीटर सिक्योरिटी और अंदर सिक्योरिटी, उसका एक पार्लियामेंट सिक्योरिटी ग्रुप है जो कि सीआरपीएफ का आता है, जो वहां पर प्लेस्ड होते थे। इस बार शायद ऐसा लगता है कि वो जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ वो विजिटर्स गैलरी में नहीं थे। और एक और चीज जो इस दौरान देखने को आ रही है सौरभ भाई, कि लोकसभा की जो सिक्योरिटी है जिसकी करीब करीब 301 स्ट्रेंथ है, उसमें ऐसे 170-176 पोस्ट हैं।
एक तिहाई से ज्यादा पोस्ट खाली हैं, और वो भी जो एंट्री लेवल ग्रेड पे। जहां तक ये लोकसभा सिक्योरिटी और इन सबका सिक्योरिटी, इनके पास कोई वेपन नहीं है, कुछ नहीं है, इनका मेन प्रोटोकॉल का ऑफिस प्रोटोकॉल का ही काम होता है उस कारण से। और दूसरा, एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की, तो एक शॉर्ट नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो ओल्ड बिल्डिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक नई बिल्डिंग की और जुड़ गई, वो भी एक स्टाफ क्रंच है। दूसरा, नई पार्लियामेंट से चारों गेट एक साइड पर थे, तो कैंपिस के पास निकलने और अंदर आने की चारों गेट पे। अब इस पार्लियामेंट में सारा गेट, क्योंकि पुराने बिल्डिंग की तरफ जहां से मेन एंट्री एग्जिट है, जहां से मेनली लोग आते जाते हैं सब एमपीज, वो एक गेट है। ऐसा नहीं है कि बाकी गेट्स पर एमपीज की एंट्री और एग्जिट अलाउड नहीं है, उस गेट पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने का बहुत बार हॉच पॉच हो जाता है, मैस क्रिएट हो जाता है। दूसरा, अगर आप इसमें देखेंगे तो तीन पॉर्च वाले गेट हैं, एक गेट पीएम के लिए रिजर्व्ड है, एक गेट वाइस प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व्ड है, एक गेट ऐसा है जिसपे विजिटर्स की भी एंट्री है, जिसपे ऑफिशियल्स की भी एंट्री है, जिसपे मीडिया की भी एंट्री है, और वहां पर वो सब चीजें वो। और ये जो नई पार्लियामेंट है वो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरह बहुत स्पेशियस नहीं है, लॉबीज बहुत छोटी है, उस कारण से ये सब लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं जिसके कारण ये चीजें होती दिख रही हैं। क्या आर्किटेक्चर को और इम्प्रूव करना चाहिए था, क्या आर्किटेक्चर में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए था, बिल्कुल ये एक जायज डिस्कशन का, डिबेट का, आर्गुमेंट का विषय वो होना चाहिए। बट हाँ, इससे कोई दरकिनार नहीं कर सकता कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है और वो लोग नीचे कूद गए। ये तो आज जब मैं आपसे आ रहा था तो कुछ सांसद निकल रहे थे, तो उनमें मजाक करते एक बात बोली कि वो एक सांसद ने बोला हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े थे कि जाट, जट और गुजरी तीनों ने बचाए, एक तिहाई सीट महिलाओं के साथ उनकी भी रिजर्व कर दो, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की चिंता खत्म हो जाएगी। वो मेन इश्यू है। बाकी सौरभ भाई, मंडे से पार्लियामेंट रिज्यूम होगी, कितना बिल पे डिस्कशंस होती है, डिबेट्स होती हैं, वो देखना वाला होगा। पर हाल फिलहाल में जो मूड है और उसके बाद जो 13 एमपीज का सस्पेंड होना है, उससे लगता नहीं है कि मंडे को भी पार्लियामेंट चलने की तरफ होगी। थैंक यू जतिन फॉर दिस इनसाइट। पर मजाक में भी जो बातें कही जाती हैं कि अमुक जाति वर्ग के लिए इतनी सीटें रिजर्व कर दो, हम उससे ना इत्तेफाकी रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको जनादेश मिले है ना, बात भी हर कौम के भीतर है, बिल्कुल दिखाई भी जाती है। तो ये जो मार्शल रेस का कंसेप्ट है, इट्स अ वेरी कॉलोनियल एंड प्री इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस कंसेप्ट। खैर, राहुल श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन हिमांशु से ज़रा जान लेता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट से इतर जो यूएपीए लगा है ना, और जतिन जो कहानी सुना रहे थे बलराम जाखड़ के दौर की, पर हमें याद रखना होगा कि बलराम जाखड़ के दौर के बाद 2001 के संसद हमले का भी दौर है ना, जब देश की संसद को रेहन पर रखने की कोशिश हो रही थी। इसलिए सतर्कता ज़रूरी है, सवाल पूछे जाने भी ज़रूरी हैं। अभी आज जब मैं ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ दिनों बाद पीयूष गोयल के मंत्रालय की तरफ से हम बहुत सारे लोगों को आमंत्रण मिला था, उसमें संसद की विजिट और बातचीत बहुत सारी चीज़ें शामिल थी। इस तरह की तमाम विजिट्स को अब कैंसिल किया जा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी को नए सिरे से बीफअप करना है। जब इस नई संसद का उद्घाटन हुआ था तब हम वहाँ पर मौजूद थे, हम लोगों को आमंत्रित किया गया था, जो संपादक हैं अलग अलग संस्थानों के, तब भी हमने देखा था कि कितनी चाक चौबंद सुरक्षा है। इसलिए हमारे लिए भी ये बड़े अचरज की बात है कि इस तरह से सिक्योरिटी का ब्रीच होता है, इट्स अ ग्रेव कंसर्न। एंड हम ये उम्मीद करते हैं कि ओम बिड़ला ने जो कहा कि वो जिम्मेदार उनका ऑफिस, क्योंकि उसी का ज्यूरिडिक्शन होता है, उसी का रखरखाव होता है, इसको दुरुस्त किया जाएगा, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। पर सिक्योरिटी से इतर जो दो बड़ी चीज़ें हैं जो प्रस्तावित बिल है, वो और जम्मू कश्मीर को लेकर संसद में जो बिल आए मनोनीत विधायकों के अधिकारों को लेकर या उस तरह के, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको लेकर क्या चर्चा चल रही है हिमांशु? देखिए, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद बीजेपी के लिए तो ये कह सकते हैं कि बहुत राहत भरी बात है। और सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद भारतीय जनता पार्टी का मनोबल जो है वो बहुत बढ़ गया। उन्होंने कहा कि धारा 370 जो है वो गलत इम्पोज की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, एक टेम्पररी फेस था, वो निकल गया, कोर्ट ने भी अब इस चीज को मान लिया है। और ये इम्पोर्टेंस इतनी दी गई कि नरेंद्र मोदी ने बाकायदा एक लंबा लेख लिखा जो सभी राष्ट्रीय अंग्रेजी, हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के अखबारों में छपा भी। और एक, क्योंकि ये एक ऐसा विषय जिसमें एक इंटरनेशनल पोस्चरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिल्कुल, इंटरनेशनल पोस्टिंग बहुत जरूरत है और वो उन्होंने किया, पूरा कॉलम लिखा कि क्यों धारा 370 जरूरी थी और धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में किस तरीके से जो है विकास हो रहा है, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी। लेकिन इसके इतर अगर आप देखेंगे तो अब सवाल ये है कि पीओके को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और विपक्ष ये कहता है कि क्या आप 24 से पहले पीओके ले लेंगे,
ले आएंगे। और ये कहा जाता है आपसे क्यों डिस्कस किया, ये तमाम तरीके के इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर को लेकर जो बिल थे रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, वो उसके ऊपर डिस्कशंस चल रहे थे। अब मैं एक और चीज, आपने क्योंकि सिक्योरिटीज को लेकर जो लैप्स हुआ, जो सिक्योरिटी में चूक हुई, एक चीज सौरभ बहुत जरूरी है कि बात जतिन ने भी कही है और राहुल जी भी जानते हैं कि पार्लियामेंट में इस वक्त सिक्योरिटीज के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो लोग चाहिए वो नहीं है उतने, उनकी भर्ती रुकी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं जो सिक्योरिटी का काम देखते हैं आईपीएस लेवल पे। फिलहाल 2 महीने से करीब जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट खाली है और पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के एक अधिकारी को जो है अभी वो टेम्परेरी जिम्मेदारी दी गई है। तो एक सवाल ये भी है कि अगर ये सारी चीजें हैं, और इससे पहले भी 1974 में जो है वो 2 बार 3 बार इस तरीके की घटना हुई और रतन चंद्र गुप्ता करके एक व्यक्ति थे, वो 2 पिस्तौल और बॉम्ब लेके आ गए थे सदन में, और उसके बाद जो है विप्लव बासु वो आ गए थे, सत्येंद्र जीत खंजर लेके आ गए थे और नारेबाजी किए थे। 1999 में जो है बद्री प्रसाद और पुष्पेंद्र जो है वो पब्लिक गैलरी से कूद गए थे, इसी तरीके की घटना हुई थी। मैं पार्लियामेंट अटैक जो हुआ था 13 दिसंबर 2001 को उसको अभी नहीं कह रहा, ये घटनाएं हुई हैं, इन पर भी कार्रवाई हुई है, जो कार्रवाई अभी हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि लगातार जो है टेक्निक बदलती जा रही है और जो लोग आ रहे हैं वो पुरानी टेक्निक के साथ आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, फेस मैपिंग की जाती है उसके आधार पर डेटा है, आप पूरी फुल बॉडी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, तमाम तरीके के इक्विपमेंट नए पार्लियामेंट में लगे हैं। अगर ये पुरानी पार्लियामेंट में होता तो मैं एक बार फिर भी मान लेता कि कहीं ना कहीं गलती रह गई होगी, ये नए पार्लियामेंट की है। और दूसरी चीज, पहले राहुल जी भी को, राहुल जी बहुत लंबे समय तक, उन्होंने लगभग 25 साल से ज्यादा जो है वो संसद को कवर किया है। पहले पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो गैलरीज में बैठते थे और वो ध्यान देते रहते थे कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से तो नहीं है, कोई बुक पढ़ रहा है या कोई चीज किसी भी तरीके की, कोई गलत पोजीशन के साथ भी बैठा तो उसको टोक देते थे, आप ऐसे नहीं बैठ सकते यहाँ पे, चाहे वो मीडिया गैलरी हो या विजिटर गैलरी हो या चेयरमैन या स्पीकर की गैलरी। और अगर कोई व्यक्ति चप्पल भी पहन के जाता था तो उसकी चप्पल उतरवा देते थे, कहीं वो चप्पल ना फेंक दे, डर से। और उनका वो लास्ट पॉइंट पे खड़े होते थे, 2 लोग होते थे, एक इधर, वो पूरी तरीके से जो विजिटर है उनके ऊपर ध्यान रखते थे। अब ये जिम्मेदारी जो है दिल्ली पुलिस को दे दी गई, 8 दिल्ली पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको सस्पेंड किया गया है, जो क्योंकि पार्लियामेंट सिक्योरिटी को एक तरीके से जब उनको जॉब में लाए उनको बताया जाता है कि आपको क्या क्या करना है, ये पार्लियामेंट के अंदर इस चीज से बचना है, ये विजिटर गैलरी में इस तरीके से आपको काम करना है, ये चीजें देखनी है, तो अब वो सारी चीजें देखने में नहीं आती आ रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस उसको देख रही है। और जैसा कि जतिन ने भी बताया कि फ्रिस्किंग का काम जो है वो दिल्ली पुलिस का है, अच्छा। और सिक्योरिटी को देखने का CISF और CRPF देखती है, और जो पास बनाने का और उनके जो आइडेंटिफिकेशन है वो चेक करने का काम जो है वो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी देखती है। तो 3 लेयर में है, लेकिन सवाल ये है कि पास भी बनता है, सिक्योरिटी भी चेक होती है, और नए पार्लियामेंट में हो रही है, वहां नए इक्विपमेंट है सौरभ, पुराने पार्लियामेंट की तरह नहीं है कि आप पार्लियामेंट की बिल्डिंग में चले भी जाएं तो भी नए पार्लियामेंट। ये बताइए हिमांशु जी कि अब इस मुद्दे पर गतिरोध कायम रहेगा और ये जो कांग्रेस TMC वगैरह के सांसदों का, देखिए मुझे लगता है गतिरोध कायम रहेगा क्योंकि विपक्ष की ये मांग है कि बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है, इसको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब आए, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब आएगा क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने सदन में जवाब दिया है और लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को माना, उन्होंने कहा पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, राइट, प्रहलाद जोशी ने स्टेटमेंट दिया है सदन में और उन्होंने पूर्व में जो घटनाएं हुई है वो भी, और सरकार क्या कर रही है, सरकार मतलब स्पीकर के साथ मिलकर क्या आगे फर्दर एक्शन हो रहे हैं वो
और जहां तक सिक्योरिटी रिव्यू की बात है वो हो रहा है, स्पीकर ने चिट्ठी लिखी होम सेक्रेटरी को। एक सत्र में जी, इसके अलावा हम इस सत्र में और एक घटना का और जिक्र कर देता हूं मैं, क्योंकि जतिन ने पार्लियामेंट अटैक की बात की, आपने भी की। एक घटना हुई थी, राहुल जी को पता होगा, जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ तो कीर्ति आजाद और हरिन पाठक एमओएस गृह राज्य मंत्री थे, वो दोनों गेट नंबर 2 के बाहर खड़े हुए थे और कीर्ति आजाद थोड़े से क्योंकि लंबे चौड़े भी हैं, तो जब पार्लियामेंट अटैक हुआ और आतंकी घुस गए तो 2 सिक्योरिटी कर्मियों ने उनको धक्का दिया, उनको और हरिन पाठक को। कीर्ति आजाद ने उनके ऊपर गुस्सा किया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, तो उसने कहा साहब आप अंदर चले जाइए, मुझे दरवाजा बंद करने दीजिए, आतंकी घुस गए हैं, आपको जो भला बुरा मुझे कहना है, जो गाली देनी है वो बाद में दीजिएगा, अभी कृपा करके आप अंदर हो जाइए। तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी कई बार ऐसी चीजें करता है, और अब तो इसके बाद मेरे ख्याल से विजिटर पास बंद हो गए हैं, एक्स एमपीज के पास नहीं बन रहे हैं, एमपीज के पीएपीएस के पास भी नहीं बन रहे हैं, अब और सकती जब तक पूरी तरीके से सकती होगी। पर हिमांशु मेरा सवाल यह था कि और कोई महत्वपूर्ण बिल है जिस पर चर्चा की हम उम्मीद करें इसमें, क्योंकि ये फुल फ्लेज्ड मुझे ऐसा लगता है कि हिमांशु कि लोकसभा चुनाव से पहले फुल फ्लेज्ड ये वाला सत्र है, क्योंकि उसके बाद अगले सत्र में तो बजट अनुदान और उन सब पे बात होगी। नहीं नहीं, 3 बिल अभी इंपॉर्टेंट है, एक है भारतीय साक्ष्य जी बिल और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल और है भारतीय एक और बिल है, 3 बिल जो है क्रिमिनल आईपीसी दंड संहिता को लेके है जी। हाँ, तो वो तीनों बिल जो है लोकसभा में लिस्टेड है, उनको लेकर चर्चा कल से होनी थी शुरू, नहीं हो पाई इस घटना के कारण, आज भी हंगामा होता रहा और आज भी सदन में कोई कार्यवाही नहीं, और देखा यह है कि मंडे को क्या विपक्ष ऐसा लगता है कि पक्ष विपक्ष एकदम कसम खा के आते हैं कि कोई एक वजह पकड़ लेंगे खूंटे की तरह, बहस नहीं होगी और सब कुछ होगा। मुझे लगता है बीच का रास्ता निकल जाएगा सौरभ जी इस चर्चा को शुरू कराने के लिए, तो देश बड़ा एहसानमंद रहेगा इन लोगों का। राहुल श्रीवास्तव जी, नहीं नहीं नहीं, उसका कारण यह है कि जो 13 सांसद सस्पेंड किए गए हैं उनका सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा और बीच का रास्ता होगा कि चलिए बिल को पास कराइए, क्योंकि तीनों बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजे गए थे, गृहमंत्री ने कहा था कि स्टैंडिंग कमेटी में संशोधन भी सुझाए गए थे, संशोधन सुझाने के बाद खुद गृहमंत्री डीएमके के एक सांसद हैं, लॉयर हैं, उनकी तारीफ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत बेहतरीन सुझाव दिए, वो बहुत अच्छे क्रिमिनल लॉयर हैं। दिस इज द काइंड ऑफ मैच्योरिटी वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अवर पॉलिटिकल क्लास। राहुल श्रीवास्तव जी, योर रिमार्क। सारे प्रस्ताव मान ली भी गए हैं। राहुल श्रीवास्तव जी बताएं सर, इतना कुछ हो रहा है संसद के अंदर, कैसे पढ़ा जाए इन घटनाओं को? देखिए सौरभ, ये जो पूरी ये जो लेटेस्ट घटना हुई है, अगर जैसे हिमांशु और जतिन दोनों ने रिलेट किया, तो ये मामला की प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के अंदर आकर के करना, इट स्टार्टेड सम टाइम इन ऑन डिसम्बर 21, 1967 में पहली बार हुआ था कि राज्यसभा के अंदर कुछ नारे लगे गए विजिटर्स गैलरी में और कुछ पैम्फलेट फेंके गए। उसके बाद से ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इंसिडेंट माना जाता है, और उसमें यानी अगर हम कहें कि सिक्योरिटी की चूक और किसी पे ब्लेम गेमिंग, लेकिन मुझे मालूम है कि 1990 की बात है कि एक सांसद हुआ करते थे पॉलिटिकल पार्टी के, अभी वो बिहार में बड़े जोर शोर से जेल से निकाले गए और एक बहुत उनके बारे में लेकर के काफी एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बना, वो बंदूक लेकर के आ गए थे अंदर हाउस के और उनकी जेब से गलती से बंदूक गिर गई, तो बंदूक उनकी सीज की गई और उनको बंदूकों के साथ उनको बाहर बाइज्जत बरी किया गया। तो ये भी पार्लियामेंट ने देखा हुआ है, मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन जो कैटाक्लिज्मिक था, जो कि जिसे कहते हैं ना, दो बड़े इवेंट जो है वो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के, पहले इंदिरा गांधी जी की जो असैसिनेशन हुआ था, उसके बाद से एक पहला बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में, वो हम लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन हम लोग जब जाना शुरू किया 95 में, उस समय पे ये हो गया था कि बाहर की गाड़ियां अलाउड नहीं हुआ करती थी, तो ये इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद हुआ था। उसके बाद इंसिडेंट आया जो 2001 का इंसिडेंट आया, उस टाइम पे नए बिल्कुल नए तरीके आ गए, आरएफ टैग आ गए, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग होते थे
एमपीज को और जो लोग रेगुलरली आते हैं उनके लिए सीसीटीवी कैमरा लग गए, वेज बैरिकेड्स होते हैं जो कि रास्ते में कोई गाड़ी आ रही है उसको रोकने के लिए, क्राउड बैरियर्स लग गए, फोटो आईडी पासेस बनने लगे, व्हीकल्स के क्रैश बैरियर लगा दिए गए, इस तरह से काफी सारे चेंजेस पार्लियामेंट में आए। उसके बाद एक फेज आया जिसमें चटवाल साहब जो डिप्टी स्पीकर थे लोकसभा के, उनके अंडर एक कमेटी बनी थी सुरक्षा की, और उसके तहत ये भी हो गया कि जो उस समय मोबाइल सिग्नल्स थे उनको बैन करने, बार करने, जैम करने के लिए भी इक्विपमेंट लगा। फिर क्या हुआ सौरभ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये आई कि जब 3G आ गया तो जो इक्विपमेंट था वो पुराना 2G के वेवल्स को बैन करने के लिए था और वो 3G के लिए इक्विप नहीं था, तो 3G फोन चलने लग गए और उसको लेकर के फिर नई कवायद शुरू हुई। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये इंसिडेंट जो अगर हुआ है इसकी 2-3 अंडरलाइंस है। अगर आप 2001 का हमला देखें वो एक मेटिकुलस स्टेट की प्लानिंग थी, उसमें कहा जाता है कि द स्टेट ऑफ द स्टेट एक्टर थे, नॉन स्टेट एक्टर थे, और वो एक बड़ी प्लानिंग के तहत हुआ। वो इट वॉज एन अटैक ऑन द डेमोक्रेसी, ऑन इंडिया एंड द साइट एंड द माइंडसेट एंड आइडियोलॉजी कॉल्ड इंडिया। ये अटैक थोड़ा सा अगर हम अभी तक अगर इसका मूलभूत वो देखें तो जो लोग सामने पकड़े गए हैं तो कोई एक बहुत एक सिंगल आइडियोलॉजी को लेके चलने वाले लोग नहीं है, ये मामूली प्रोटेस्टर्स हैं, वो कुड हैव बीन जो कि जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट करते थे, क्योंकि अगर आप 2001 के आतंकियों को देखें तो वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने वाले नहीं थे। ये वो लोग नहीं है जो किसी चीज से खिन्न है कि नौकरी नहीं है या इन सब चीजों पे नाराज हैं, वो देश पे हमला नहीं करना चाहने वाले। जिस तरह से उनका अगर बातचीत, अगर उन लोगों से जो दिल्ली पुलिस से इंफॉर्मेशन आ रही है कि अगर आप नीलम जी की, नीलम जो पकड़ी गई है उनके उस पे सोशल साइट्स पे जाएं तो अंबेडकर, प्रगतिशील आजाद युवा संगठन नाम का एक गोल चलाती हैं, भगत सिंह से प्रेरित हैं, एमए हैं, बीएड हैं, एमएड हैं, एमफिल की बात हो चुकी है, फार्म लॉज पे प्रोटेस्ट कर चुकी हैं, ललित झा साहब जो पकड़े गए हैं सरेंडर जिन्होंने किया वो बिहार से हैं, कोलकाता है, बीजेपी की नीति के खिलाफ है, सुभाष चंद्र बोस, फिडेल कास्ट्रो, चंद्रशेखर आजाद के भक्त हैं, महात्मा गांधी की फोटो नोट पे ना लगे उसकी जगह सुभाष चंद्र बोस की फोटो चाहते हैं, सागर शर्मा है वो अपने आप को मौन ज्वालामुखी सोशल मीडिया पे कहलाते हैं, महाभारत कृष्ण रील डालते हैं इंस्टाग्राम पे, अमोल शिंदे जो महाराष्ट्र के हैं वो भगत सिंह के भक्त हैं, कहा यह जा रहा है कि उस ये भगत सिंह के फैन क्लब के जरिए मिले तो इनको भगत सिंह वाला एक एलिमेंट दिखता है, हालांकि इसमें भगत सिंह जैसा दर्शन ना हो, किसी भी किस्म की मूर्खता करना और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी की ओट लेना ये बहुत आसान होता है कि भगत सिंह बन जाए, मगर व्हाट भगत सिंह वाज, भगत सिंह क्या थे उसको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन सौरभ मैं जो कह रहा हूं कि इसमें एक बड़ा इवेंट जो ये हो गया, क्या सौरभ 6 लोग मिलकर के सड़क पे प्रोटेस्ट करने की जिनकी जरूरत है वो पार्लियामेंट को एक प्रोटेस्ट का साइट बना सकते हैं अंदर को? सौरभ ये एक मूल क्वेश्चन है कि क्या जो हमारे तसव्वुर में चीजें हैं जिनको हम अनटचेबल कहते हैं कि हम सड़क की प्रोटेस्ट को पार्लियामेंट के अंदर ले आएंगे? सौरभ मैं ये एक पॉलिटिकल डिक्लाइन है, एक डेमोग्राफिक डिक्लाइन है, नेता सड़क की लेवल की पॉलिटिक्स को पार्लियामेंट के अंदर ले आए हैं, नेता सड़क पे जिस तरह की बैनर होल्डिंग पोस्टर दिखाए जाते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर दिखाते हैं, क्या उसका इंपैक्ट पब्लिक पे नहीं पड़ेगा सौरभ कि एक ऑर्डिनरी सड़क पे जो प्रोटेस्ट हो सकती है वो आप पार्लियामेंट के अंदर ले आए? आपको अगर याद हो दिसंबर 24 अगर मैं गलत नहीं हूं तो निर्भया कांड के बाद एक जो प्रोटेस्ट 8 बजे सवेरे शुरू हुई थी वो शाम आते आते मुझे, मैंने आंकड़े निकाले हैं उस टाइम के, सौरभ उस दिन जब प्रोटेस्ट हुई थी तो करीब 10 बार दिल्ली पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था, 35 लोग इंजर्ड हुए थे, 250 टीयर गैस शेल इंडिया गेट के पार्लियामेंट के आसपास के एरिया में चले थे, कुछ लोग राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे थे, वहां पे जो बैरिकेड लगे उनमें आग लगाई गई थी, उसके गेट पे चढ़ने लगे थे, जी दीवार पे चढ़ रहे थे पार्लियामेंट की और साउथ ब्लॉक की दीवार पे चढ़ रहे थे। क्या है कि प्रोटेस्ट नागरिक का हक है, अपने 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 हक की लड़ाई के लिए, किसी और के हक की लड़ाई के लिए, देश की वैल्यूज के लिए,
लेकिन क्या मैं उस प्रोटेस्ट को पार्लियामेंट के अंदर ले जाऊं? पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ा जो जतिन और हिमांशु ने नहीं बताया, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है सौरभ। मैंने पार्लियामेंट के अंदर की जो नई लॉबी बनी है ना, उसकी हाइट उतनी नहीं है जो एमपीज लॉबी सेक्शन है उससे, कि वहां से कूदना थोड़ा आसान हो गया है। क्या है, जो पुरानी बिल्डिंग की लॉबी थी वो ज्यादा ऊंची थी, पता नहीं राहुल जी, मुझे तो ये वाली भी बहुत ऊंची लगी है ना, इतना मतलब ठीक ठाक हाइट होगी, कम से कम मेरे ख्याल से 24-25 फीट से ज्यादा की हाइट होगी जी। लेकिन पुरानी वाली की हाइट काफी अच्छी थी, वहां से कूदना उतना आसान नहीं था जितना कि होता है। लेकिन अगर आप इस पूरे प्रोटेस्ट को देखें, तो मैं एक छोटा सा आपका टाइम ज्यादा लूंगा, कि मई 5, 1994 को प्रेमपाल सिंह सम्राट नाम के व्यक्ति ने कूद लगाई पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में उन्होंने थोड़े से नारे लगाए, 11:20 पे इंसिडेंट हुआ और उनको कस्टडी में लिया गया। उसके बाद क्या राजनीति हुई सौरभ? उस पर कतई राजनीति नहीं हुई। मुकुल वासनिक जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री थे, मंत्री भी नहीं थे फुल फ्लेज कैबिनेट के, एक मोशन मूव करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये लोग जो है जो कूदे शख्स ही इज गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। ना उनके ऊपर यूएपीए लगा और ना ही उसके ऊपर उपद्रव हुआ पार्लियामेंट के अंदर, ना किसी एमपी का सस्पेंशन हुआ, ना राजनीति हुई, ना कॉल हुई कि लोकसभा अध्यक्ष माफी मांगे या होम मिनिस्टर आके स्टेटमेंट दें। एक स्टर्न वार्निंग मोशन वाज कि टू बी लेट ऑफ विद अ स्टर्न वार्निंग, एक कड़ी चेतावनी के साथ छोड़ा जाए, ये उस समय पे हमारी पार्लियामेंट के अंदर हुआ। अगस्त 24, 1994 को सिमिलर इंसिडेंट हुआ, मोहन पाठक नाम के शख्स लोकसभा में कूद गए, मनमोहन तिवारी नाम के ऊपर खड़े हुए नारे लगाते रहे, उनको भी पकड़ लिया गया, फिर वही मुकुल वासनिक वैसा ही मोशन, और कहा गया कि कड़ी चेतावनी, उसके अलावा रिगरस इंप्रिजनमेंट की बात की गई 6 बजे तक 26 अगस्त 1994 तक। ये उस समय पे हाउस के अंदर लोगों की सगैसिटी, जिसे मैं कहूंगा संवेदनशीलता थी, कि ना उस पर राजनीति हुई, ना उस पर उपद्रव हुआ, ना उस पर यूएपीए लगा। क्या है कि प्रोटेस्ट करना एक नागरिक का कर्तव्य है, अगर वो प्रोटेस्ट को इस लेवल तक ले आता है कि वो पार्लियामेंट में कूद लगाता है, वो गलत है, वो किसी भी तरह से उसको सही नहीं माना जाएगा। मगर क्या वो आतंकवाद की श्रेणी में आता है, ये सवाल जनता के सामने जरूर उठाना चाहिए। आप तीनों मेहमानों ने बहुत विद्वतापूर्ण ढंग से देश के सामने जो जरूरी सवाल है विधायिका को लेकर, वहां के भीतर की गतिविधियों को लेकर उन्हें प्रस्तुत किया। नेता नगरी का ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले एक सलाह दिए जाता हूँ, सेहत का ख्याल रखिए, भक्ति काल के कवियों को खूब पढ़िए, खास तौर पर कबीर को, क्योंकि वो काम आते हैं जब राजनीतिक अवसान का समय हो या फिर उत्थान का समय हो। यकीन न हो तो शिवराज से पूछ लीजिए जो कहते हैं जस की तस धर दीनी चधरिया। फिल्में देखिए, फिल्में नए सिरे से कपाट खोलती हैं। अलग अलग प्रतिष्ठित मैगजीन्स 2023 की नामचीन नामवर फिल्मों की सूची निकाल रही हैं। ऐसी एक सूची हमारे हाथ लग गई द अटलांटिक की, और उसके तहीं हमने फिल्में देखना शुरू कर दिया। ओपेनहाइमर देखी और उसके बाद देखी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। आप कौन सी फिल्में देख रहे हैं ज़रूर बताएं, संगीत की सूची भी साझा करें। वर्ष का वो समय आ गया है जब सुखांत की तरफ हम बढ़ते हैं, वर्ष का वो समय आ गया है जब हम भरपूर साझा करते हैं स्मृतियों को। स्मृतियों को साझा करने का क्रम, राजनीति पर चर्चा का क्रम चलता रहेगा। आप देखते रहिए नेता नगरी। बहुत बहुत शुक्रिया।